मॉडर्न हिस्ट्री की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है और इंडिया कूपन कोड लगाते ही 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ये 3 जनवरी तक डिस्काउंट था, इसको अब 5 जनवरी तक कर दिया गया है। बाकी आप खरीदने के लिए जानते हो, ये सारी कोर्सेज के वगैरह बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते हो। ये सारी क्लासेस हमारे यहाँ पर चलती है, यहाँ पर हमने चार्ट लिस्ट लगा दिया है, आप देख सकते हो अभी ऑफर में किस कोर्स की कितनी फी है। खरीदने के लिए सीधा चीज है कि डायरेक्ट आप जो है, जो भी बच्चे हैं ड्रीम सेवक IAS लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा लोगो चेंज हो गया, ये जो लोगो है ना ये चेंज हो गया है, न्यू लोगो आ चुका है। न्यू लोगो के बारे में एक बैनर लगी हुई है ऐप पर, आपने देखा होगा इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रजिस्टर कर लेंगे जैसे ही तो पेड कोर्स में चले जाएंगे और यहाँ पर जो बैच खरीदना है बाय नाउ पर क्लिक करते ही अप्लाई कूपन कीजिए और इंडिया कूपन कोड लगाते ही UPI का माध्यम चुन करके फोन पे गूगल पे आपके रिलेटिव में जिसका भी फोन पे है फोन पे नंबर डालिए, उनके फोन पे पे मैसेज जाएगा और वहां से एक्टिवेट हो जाएगा कोर्स। जैसे ही कोर्स एक्टिवेट होता है नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है यहाँ पर माई कोर्स का, यहाँ पर देख रहे हैं माई कोर्स पर सीधा क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सारी चीजें जो है आपका इस तरह से एक्टिवेट होकर के आ जाती है और यहाँ से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कोई भी दिक्कत होता है ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिखिए, ठीक है। और अगर प्रोसेस समझ में आ गया है तो कोशिश कीजिए कि कॉल नहीं करने के लिए, क्योंकि हजारों कॉल आप लोग जब करने लगते हो तो हमारी टीम के द्वारा थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है सारी कॉल को अटेंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। देखिए भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का जो, देखिए हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना ये बहुत लंबी चैप्टर है आज का, 36 क्लास को 36 स्लाइड को इसमें शामिल किया गया है। ऑन एन एवरेज अगर हर स्लाइड में 3 मिनट भी देते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा समय यहाँ पर लगेगा, 2 घंटे के अप्रॉक्स हम लोग चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं और ये शेयर तो आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये तो ऐप वाली क्लास है, और जो लोग बाद में YouTube पर देख रहे हैं वो शेयर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण क्या है, वो क्या है, अंग्रेजी शासन का जो यहाँ पर खराब प्रदर्शन था, जो रूलिंग था वो खराब रूलिंग की वजह से, खराब शासन व्यवस्था की वजह से भारत के लोगों में क्या था, एक असंतोष था। हम लोगों के अंदर में क्या था, एक असंतोष था। जो हमारे पूर्वज थे वो काफी असंतोष की भावना रखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ शासन चला रहे थे वो मन मुताबिक नहीं चला रहे थे और भारतीयों को प्रॉपर जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जितना उनको आर्थिक मदद या फिर आर्थिक आजादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक किसी भी तरह की आजादी नहीं थी भारत के लोगों को। तो यहां पर जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ भारत के अंदर में, उसका मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजी शासन का खराब शासन व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रवाद। देखो राष्ट्रवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म, क्या कहते हैं इसको, नेशनलिज्म। क्लास 10th में जाओगे NCERT पढ़ोगे और NCERT में एक चैप्टर मिलेगा नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, क्लास 10th की NCERT में। तो ये जो नेशनलिज्म वर्ड है इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म कहते किसको है, राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, इट इज द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारा जो, ठीक है, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जो मोहब्बत है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में उत्पन्न असंतोष, ठीक है। राष्ट्रवाद कैसे कि कहते किसको है, हमारे देश के प्रति, जैसे भारत देश है हमारा, तो भारत देश के प्रति हमारी जो मोहब्बत है, ठीक है, हमारी जो भावना है, हमारी जो मर मिटने की चाहत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। हमारा जो लगाव है, हमारा जो इतिहास है भारत के साथ, है ना, यही हमारा क्या है, राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या हो गया, इट इज द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर नेशन। जब आप क्या करते हो अपने बच्चों से, है ना, अपनी अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, उसको मोहब्बत लव कहते हैं। लेकिन जब आप वही लव अपने राष्ट्र से करते हो, अपने देश से करते हो, तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए आप लोग। तो भारत में जो लोग यहाँ के असंतोष थे, यहाँ के लोगों में जो देश के प्रति मोहब्बत जगी, समझ रहे हैं ना, वो जो मोहब्बत छिपी हुई थी वो देश के प्रति जगनी शुरू हुई, इसका सबसे बड़ा और सबसे तात्कालिक कारण यही था कि ये जो अंग्रेज थे यहाँ पर रूल कर रहे थे, इनका बहुत खराब शासन व्यवस्था था और इन्हीं के अंग्रेजी शासन व्यवस्था से असंतोष उत्पन्न हुआ और उसी असंतोष से भारत के लोगों के दिल में क्या हुआ, अपने देश के प्रति मोहब्बत उत्पन्न हुआ।
ठीक है। तो आपने समझा कि कैसे भारत के लोग जो है एकजुट होना शुरू हुए। अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी कहां से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, वो अंग्रेजों ने जो सताया लोगों को वहां से एकजुट होना शुरू हुए। जैसे आपका कोई दुश्मन होगा, आपको आपके पड़ोसी को, बहुत सारे पड़ोसी को अगर वो सताएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, तो आप लोग अपने आप में कनेक्टेड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एक ही दुश्मन है वो इंसान जो आप सबको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप सब मिल करके उससे लड़ोगे। तो वही चीज भारत के अंदर में हुआ, एक ही अंग्रेज सबको सता रहा था पूरे भारत के अंदर में, और यही चीज से, ठीक है, यही चीज से जो है लोगों के अंदर में क्या हुआ, असंतोष की भावना फैल गई, यही चीज से लोग एकजुट होने लगे, ठीक है, क्योंकि परेशान करने वाला आदमी एक ही था। अब आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, राष्ट्र चेतना का उदय, जो आपके दिल में राष्ट्रवाद का मतलब, ये जो शब्द है ना, इस शब्द का अगर हम डिक्शनरी में वर्ड ढूंढें, राष्ट्रवाद, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, तो हमें पता चलता है कि राष्ट्र चेतना, जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है ना, उसका उदय जो है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखें, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो रेलवे है, टेलीग्राफ है, अगर इसकी शुरुआत पूछें कि रेलवे का विकास और टेलीग्राफ का जो विकास हुआ सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखिएगा कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। देखो मैंने क्या किया है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पॉइंट वाइज हमने अलग किया है और इसको इस क्रम में सजाया है ताकि एक कहानी के जैसा आपको लगे, लगे कहानी के जैसा, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए थे। आपको पता है कि जब 1857 की बहुत बड़ी क्रांति भारत के अंदर में हुई है ना, 1857 का रिवॉल्ट किसको नहीं याद है ना, 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट, जिसको नहीं याद है उसको जाकर के पढ़ लीजिए, हमने हिस्ट्री में एक चैप्टर 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 1857 की जो बड़ी क्रांति हुई थी उसके क्या तात्कालिक कारण थे, है ना, क्या क्या उसमें घटनाएं हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है, इसको आप ऐप पर पढ़ सकते हैं, शायद हमने इसको फ्री भी किया है, आप दी जाके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब इतनी बड़ी क्रांति हुई, अंग्रेजों को लग गया, जो वहां पर बैठे थे इंग्लैंड में, उनको लगा कि यार भारत में तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इतना अच्छा राजपाट और इतना ज्यादा पैसा भारत से मिल रहा है हमको, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं भारत से, ये 1857 की जो क्रांति है ये तो हमारा आंख खोल दिया कि भारत में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, एक बार जो है यहां पर क्या करना होगा, अंग्रेजी सरकार को, जो हमारी हुकूमत है, इसको अपने हाथ में भारत का जो राजपाट है वो लेना होगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कहा कि भैया अब तुमसे ये संभलने वाला नहीं है, तुम हमारे हाथ में पूरा भारत का राजपाट दे दो, क्योंकि पहले जो भारत के अंदर में रूल कर रहा था वो कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। अब 1858 में एक नया कानून बनाया गया, जब 1857 में इतनी बड़ी घटना हुई है ना, पूरा ब्रिटेन को हिला दिया हम लोगों ने। 1858 में ब्रिटेन की महारानी उस समय थी, ठीक है, तो वहां की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा किया, ठीक है, यानी एक कानून लाया, उन्होंने कहा कि ये घोषणा किया कि इन्होंने उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य, जो जितने भी देशी राज्य थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए, है ना, यानी इन्होंने एक उद्घोषणा किया कि अब जितने भी जो देशी राज्य हैं भारत के अंदर के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो सब के सब अब सारा पावर किसके पास रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्य के पास रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया और सारा राजपाट डायरेक्ट ये अपने अंडर से कंट्रोल करने लगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद कर देती भारत को, आजाद मतलब करवा देती, जिस तरह का यहां पर करप्शन फैला रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो है नील विद्रोह। देखो नील विद्रोह का एक तो कार्यकाल पूछा जाता है कि नील विद्रोह भारत में कब से कब तक हुआ था, तो इस नील विद्रोह को आप चंपारण सत्याग्रह का जो 1917 का विद्रोह है उससे आप कंपेयर नहीं करना, क्योंकि देखो चंपारण सत्याग्रह जो है वो इंडिगो चंपारण सत्याग्रह का जो रिवॉल्ट है वो सच बात है कि इंडिगो की खेती के वजह से हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल नील विद्रोह है वो एक अलग विद्रोह है। तो नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 1860 से 61 ईस्वी के बीच में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, देखिए 1860-61 में नील विद्रोह हुई थी, जो बहुत बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना जो इसके बाद आती है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है 1877 में, है ना, सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की गई थी। 1877 में सर सैयद अहमद खां ने, जो हमारा अभी का AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और इसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में किसने किया था, सर सैयद
मोहम्मद खान ने किया। प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आंसर क्या होगा, सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने यहां पर किया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, दो बड़ी घटनाएं हैं, ठीक है, तो उसमें से एक जो है ना आपका एक आर्म्स एक्ट है और एक क्या है आपका, एक आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। दो एक्ट है, एक आर्म्स एक्ट है, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। ये दोनों ही एक्ट लाए गए थे भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, समझ रहे हो ना, भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो भारत के जो यहां पर समाचार पत्र थे, जो अच्छी अच्छी जानकारी भारत के लोगों को दे रहे थे, राष्ट्र चेतना का उदय कर रहे थे भारत के अंदर में, अच्छे अच्छे समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, जिसको अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे समाचार पत्रों पर जो नेशनलिज्म फैला रहे थे, राष्ट्रवाद फैला रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जो भारत में यहां पर ब्रिटेन सरकार थी, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी हुकूमत ने 1878 में, है ना, 1878 में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में उन्होंने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। तो एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, ये 1878 में। देखो जितने भी पॉइंट हैं सारे वीवीआई हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको 36 स्लाइड में पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ठीक है, ये जितने पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और याद ही क्या रखना है, नील विद्रोह, एरो मारोगे कॉपी में लिखोगे 1860 से 61, ठीक है, जब पीडीएफ अपलोड करूंगा अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैंने छोटा करके बनाया है, आप इससे भी छोटा बनाओ ताकि आपको कम समय में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिखो, लॉर्ड लिटन साइड में लिखो और लिख लो डेट क्या, 1878, एक सेकंड में याद हो जाएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कब आया था, 1878 में आया था और किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। वहीं पर बाद में आर्म्स एक्ट आया 1879 में, 1878 में एक साल बाद इन्होंने आर्म्स एक्ट भी लाया, जिसमें अंग्रेज तो हथियार रख सकते थे लेकिन भारतीयों को हथियार रखने का प्रतिबंध हो गया, ठीक है, आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित हो गया, याद रखिएगा, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए, जो भारत में रहने वाले लोग थे सिर्फ उनके लिए, जो ओरिजिनल भारतीय थे, जो इंडियंस थे, उसको जो अस्त्र शस्त्र है, किसी भी तरह का हथियार, जैसे राजा महाराजाओं के पास बहुत सारे हथियार हुआ करते थे, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा था तो वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे, ठीक है, या तो इस तरह से हथियार रखना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है ना, बहुत सारे लाइसेंस का जो है उसमें लाया गया और अंग्रेज खुले तौर पर हथियार लेके चल सकते थे। तो ये जो 1878 का जो आर्म्स एक्ट है, इससे भी लोग आहत हुए कि भाई ये दोहरा रवैया क्यों, भारतीयों के लिए हथियार रखना मना ही, जबकि अंग्रेज सरकार के सेनाओं के हाथों में बड़े बड़े बंदूक हुआ करते थे, वो जब चाहे लोगों को मार सकते थे, लेकिन भारतीय लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए या फिर अपना विद्रोह करने के लिए है ना, वो कहीं से भी जो हथियार है वो नहीं रख सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर हथियार रखेंगे तो कल को विद्रोह हो सकता है, हमारे सैनिकों पर गोल सकते हैं, हमारे ऑफिसर्स को ये मार सकते हैं, तो इस तरह से अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया 1879 में, आर्म्स एक्ट लाया गया। क्या लाया गया, आर्म्स एक्ट को लाया गया। तो सरकार द्वारा 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर बाद में हटा भी लिया गया था, 1882 में आयात कर को हटा लिया। और इससे क्या घटना हुई पता है, ये दोनों तो काफी चिंता वाली बात थी, 1878 1879, 1878 1879 में, 1878 में क्या हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, और 1879 में क्या हुआ, आर्म्स एक्ट आया था और इससे अस्त्र शस्त्र रखना भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया था, बिल्कुल मना ही था। बाद में सरकार ने एक बड़ा चीज ये किया कि सूती वस्त्र पर से जो है क्या हुआ, आयात कर हटा लिया गया। देखो अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत का जो कुटीर उद्योग था वो काफी फेमस था, भारत का जो कुटीर उद्योग था वो बहुत फेमस था, यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे और जो उसमें कपड़े बनते थे, वो कपड़े पूरे दुनिया में जाकर के बिकते थे। जब अंग्रेज भारत में आए, इन्होंने वो छोटे छोटे उद्योग को समाप्त करना शुरू किया, उस पर इतना टैक्स लगाया कि कपड़ा यहां से बनने के बाद भारत से जैसे बाहर निकलता था, विदेशों में जैसे जाता था, तो उसमें क्या होता था, जो एक्सपोर्ट लगता था, एक्सपोर्ट में होता था, एक्सपोर्ट टैक्स लगाते थे, कपड़ा देश से बाहर होगा इतना परसेंट टैक्स लग जाएगा। अब जो कपड़ा बेचने वाला है उससे अगर इतना रुपए, मान लो 100 रुपए का कपड़ा में 20 रुपए वो ले ले उससे, या 30 रुपए उससे ले ले कि भैया 30 रुपए आपको देना होगा, तो वो 70 रुपए के कपड़े को बेच के कैसे प्रॉफिट कमाएगा, उतना तो उसका मान लो खर्च वर्च में चला जाता है। तो फिर क्या करेगा कि जो जिसका कपड़ा है वो
अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा उसके रेट को बढ़ाएगा, जिसके कारण विदेशों में जो भारतीय के कपड़े थे वो काफी महंगे हो गए। और अंग्रेजों ने क्या चाल खेला कि यहाँ का रॉ मटेरियल को उठा करके वो ले चले गए इंग्लैंड, और रॉ मटेरियल जब यहाँ से बिकना हुआ तो भारत के अंदर में रॉ मटेरियल थोड़ा कम होना शुरू हुआ। वही रॉ मटेरियल को वो वहां ले जाते थे और फिर वहां मशीनों से वो कपड़े को बनाते थे, और बना करके फिर वो क्या करते थे, ये जो देख रहे हो आयात कर, भारत के अंदर में बना बनाया सूती कपड़ा जो आता था इस पर टैक्स को बिल्कुल घटा दिया गया। देखते हो आयात कर बिल्कुल हटा दिया, घटाया भी नहीं, बिल्कुल हटा दिया आयात कर को, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बिल्कुल हटा दिया। देश में अब कपड़ा बाहर से आ सकता है फ्री में, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कहीं पर कोई टैक्स नहीं। अब बताओ अंग्रेज को टैक्स ही नहीं लगेगा तो अंग्रेज का कपड़ा महंगा कैसे होगा, वो तो उसको सस्ते में बेचेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो इंपोर्ट टैक्स है इन्होंने हटा दिया 1882 में, और भारत से बना बनाया कपड़ा जब बाहर जाता था, जिसमें कि हमारे मूल भारतीय लोग काम करते थे, गरीब लोग काम करते थे, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो काम करते थे, कलाकार लोग काम करते थे, तो उनके कपड़े को, छोटे छोटे उद्योगों के कपड़े को विदेशों में जाके बिके, है ना, और उस वो कपड़ा महंगा हो जाए इसलिए अंग्रेज उस पर टैक्स लगाते थे, ताकि विदेशों में हमारे कपड़े महंगे हो जाए। और अंग्रेज अपना बनाया हुआ कपड़ा भारत में जब लाता था तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया, कपड़ा फ्री में आ सकता था। ठीक है, जितना बनाने में खर्च लगा और लाने में खर्च लगा बस वही भारत के लोगों को यहाँ के, यहाँ की धन संपत्ति में टैक्स नहीं जमा होता था, यहाँ का जो खजाना है वो खाली रह जाता था। तो और अंग्रेज उसको सस्ते में भारत में बेचता था और भारत के लोगों को वो कपड़ा बहुत सस्ते में मिलता था। तो भारत की फैक्ट्रियां जो बनाती थी वो कपड़ा जो है थोड़ा महंगा था, चूंकि हाथ से बनता था, और अंग्रेज जो बनाते थे वो क्या होता था, काफी सस्ता हुआ करता था। और अब चलते हैं थोड़ा विदेश में, अगर हम फॉरेन में जाएं, मान लेते हैं कोई कंट्री ए है और यहां पर दोनों का कपड़ा आ रहा है, एक इंडिया से भी जा रहा है, एक इंडिया से भी कपड़ा जा रहा है, दूसरा यहां पर ब्रिटेन से भी जा रहा है, यूके से जा रहा है। ठीक है, ब्रिटेन से जा रहा है। अब देखो कि यूके का जो ब्रिटेन, उस समय तो यूके था, ब्रिटेन का कपड़ा और इंडिया का कपड़ा दोनों आएगा यहां पर। अब इस कंट्री में चूंकि इंडिया से कपड़ा निकलते ही ये क्या हुआ, काफी महंगा हो गया। ठीक है, और ब्रिटेन का कपड़ा जो है चूंकि उस देश में जा रहा है तो ब्रिटेन यहां से कोई टैक्स नहीं लगा रहा अपने देश में, तो ये कपड़ा यहां पर जो है, ब्रिटेन का कपड़ा जो है वो सस्ता है। तो अब बताओ, और ये जो भारत का कपड़ा भारत से निकला, एक तो हाथों से बनता था, ये ऑलरेडी महंगा हुआ करता था, मजदूरी ज्यादा लगती थी, प्लस इसमें टैक्स को बढ़ा दिया तो ये और महंगा हो गया। और अंग्रेजों का जो कपड़ा था ये क्या था, सस्ता था। अब बोलो यहां के जो लोग हैं, यहां के लोग ये कौन से कपड़े को खरीदेंगे, भारत के या फिर इंग्लैंड के? तो ये इंग्लैंड के कपड़े ज्यादा बिकने लगे और हमारे कपड़े वहां पर कम बिकने लगे। इससे हमने इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा बिजनेस था उसको भी हमने क्या किया, खो दिया। तो इस तरह से जब यहां पर हमारे कपड़े बिकने शुरू हुए, बंद हो गए यहां पर विदेशों में, तो फिर ये भारत के जो काम करने वाले लोग थे ये कहीं ना कहीं सड़क पर आने की नौबत आ गई। ये लोग मेहनत मजदूरी पर उतर गए कि भैया कहीं पर खेत में काम कर लें, अंग्रेजों की कोई गुलामी वाला काम कर लें, है ना। ये जो अच्छे अच्छे कलाकार थे, जिनका, जिनके कपड़े राजा महाराजा पहना करते थे, अब वो सड़क पर आने की नौबत उनकी आ गई। इस तरह से हालात अंग्रेज ने एक प्लानिंग के तहत बर्बाद कर दिया उनके पूरे बिजनेस को। ठीक है, और इससे क्या हुआ, किसको नुकसान हुआ, यूके को नुकसान हुआ, और फायदा किसको हुआ, यूके को हुआ, और नुकसान किसको हुआ, इंडिया को हुआ। तो ये इस तरह के हालात को बना दिया। तो ये कपड़े के पीछे क्या एक कहानी थी और किस तरह से अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, इसको थोड़ा सा हमने गहराई में जाकर के 5-7 मिनट देके आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय आईसीएस, जो आईसीएस अधिकारी, जैसे आज का आईएएस ऑफिसर होता है ना, पहले आईसीएस अधिकारी होता था, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, जो डीएम आज का है वो पहले आईसीएस के द्वारा चुनता था। तो भारत का पहला आईसीएस नागरिक, यानी भारत का नागरिक जो पहली बार आईएएस का एग्जाम पास किया हो, उसका नाम क्या था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। तो अगर ऐसा पूछ ले कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बहुत कंट्रोवर्शियल बिल थी जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल, देखो इल्बर्ट बिल क्या था, 1833 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके अनुसार भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई समान न्यायालय में करना था। देखो एक पहले का नियम जानते हैं क्या था, पहले एक नियम था कि जो यूरोपीय जज हैं वही यूरोपीय, जो इंग्लैंड के जज हैं वही इंग्लैंड के लोगों का क्या करेंगे, भारत के अंदर में मुकदमा सुनेंगे। जैसे भारत में सभी तरह के लोग रहते हैं, एक मूल भारतीय लोग रहते हैं, दूसरा अंग्रेज भी रहते हैं। मूल भारतीय लोग, अंग्रेज के बीच में कोई बात का झगड़ा हो गया,
अब केस जाएगा कहां पर, ये केस कहां पर जाएगा पता है, ये केस उस कोर्ट में नहीं जाएगा जहां पर जज भारतीय होंगे, मूल भारतीय लोग अगर जज बने हैं तो वहां पर ये केस नहीं जाएगा। ये केस किसके पास जाएगा, क्योंकि यहां पर यूरोपीय लोग जो यहां पर अंग्रेज शामिल है, तो इसलिए अंग्रेज पर मुकदमा कौन नहीं चला सकता है, भारत के मूल भारतीय जज जो है वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर इन्वॉल्व कौन है, यहां पर यूके का पर्सन इन्वॉल्व है, यहां पर जो है अंग्रेज इन्वॉल्व है। तो अंग्रेज पर अगर कोई केस होता था तो उसकी सुनवाई सदैव हमेशा कौन करते थे, अंग्रेज जज किया करते थे, ना कि भारतीय जज। इसको पलटा गया इल्बर्ट बिल ला करके। इल्बर्ट बिल में कहा कि जितने भी फौजदारी मुकदमे होंगे, चाहे वो अंग्रेजों के हों चाहे वो किसके हों, जिनके भी जितने भी क्रिमिनल केसेस होंगे, एक तो फौजदारी है ना, एक होता है फौजदारी, दूसरा होता है दीवानी, ठीक है। तो ये जो फौजदारी जो क्रिमिनल लॉस थे, चाहे वो यूरोपीय व्यक्ति के हों, ठीक है, चाहे वो भारतीय व्यक्ति के हों, एक कानून लाया गया और इसको जनरल बना दिया गया कि देखो अब कोई भी चीज हो, अब जो है सामान्य न्यायालय जो होगा, ठीक है, सामान्य न्यायालय जिसमें भारतीय जज हो या यूरोपीय जज हो फर्क नहीं पड़ता है, सामान्य न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। अंग्रेजों ने इतना इसका विरोध किया कि भाई ये कैसे हो सकता है, सामान्य न्यायालय में अंग्रेजों का मुकदमा चलेगा, अंग्रेजों को न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जज वहां न्याय नहीं करेंगे उसके साथ, है ना, न्याय क्या करेंगे, वो तो अपने फेवर में चाहते थे, है ना। जब वहां पर अंग्रेज जज होंगे तो वो ज्यादातर जो उनका भी नजरिया वही था, भारतीयों को नीच नजर से वो देखने का था उनका नजरिया। तो कहीं ना कहीं अगर करप्ट जज होंगे तो हमेशा फैसला किसको देंगे, हमेशा फैसला जो है वो अंग्रेज अधिकारी के पक्ष में होंगे, तो इस तरह से उनको अंग्रेजों को बेनिफिट मिल जाया करता था। वही चीज को इल्बर्ट बिल ला करके बदला गया था 1883 में, और इसका इतना बखेड़ा हुआ था, इतना बखेड़ा हुआ था, तब समझ में आया भारतीय लोगों को, भाई ये हो क्या रहा है, अगर ये चीज को जनरलाइज किया जा रहा है तो इसको अंग्रेज, पूरा अंग्रेज कम्युनिटी इसका विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, ठीक है, भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस चीज से हमारे जितने भी सारे नेता थे और जितने सारे यहाँ पर लोग थे, है ना, बुद्धिजीवी लोग, आम जन, सबकी आंखें खुल गई ये इल्बर्ट बिल विवाद से। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि इल्बर्ट बिल जो है वो कब आया था, 1883 ईस्वी में आया था, 1883 में आया था, ठीक है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, अगला पॉइंट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, तो आप क्या कहोगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, और इसका जो स्थापना करने के पीछे एक शख्स था उसका नाम था AO Hume, ठीक है, AO Hume नाम था इनका, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनका बहुत बड़ा रोल था। तो INC की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। ये नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये INC की स्थापना किसने किया, AO Hume ने किया, और साथ ही साथ ये जो AO Hume ने इसकी स्थापना की 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ये जो है INC की स्थापना कब हुई, 1885 में, किसने किया, AO Hume ने किया। अब देखिए इसमें एक दो चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं। अगर आपको पूछे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरी घटना की तरफ भी हमें बढ़ना है, किसी एक टॉपिक पर हम विस्तार से यहां पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग हम लोग क्लास लेंगे, उसमें जाकर के डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, याद रखिएगा SN Banerjee थे। अगर आपको पूछे कि पहला है ना, पहले जो ये थे अध्यक्ष थे वो कौन थे, SN Banerjee थे। अगर आपको इसी में से पूछे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तब क्या कहोगे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर आपको इसी में पूछ ले कि ये चीज बताइए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है, एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे। अगर इसी में पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे,
फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये इसमें और गहराई में जाएंगे, इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो एग्जाम के लिए लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो एक सिलसिलेवार तरीके से हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब आइए, एक बड़ी घटना जो हुई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके बाद बहुत बड़ी घटना जो हुई नेशनल लेवल की बात, वो 1905 में हुई, बंगाल का विभाजन हो गया। एक प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आंसर होगा सन 1905 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन का। पूरा ब्रेन किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन, देखो बंगाल के अंदर में ना ऐसा था कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम का एक अलग इलाका था, और वहां पर बहुत बड़ा क्या था, एक वोटिंग बेस था मुस्लिम का, और एक इलाका था जहां पर हिंदुओं का बहुत बड़ा वोटिंग बेस था। तो अंग्रेजों ने इस तरह से डिवाइड किया बंगाल को कि आधा मुस्लिम और आधा हिंदू हो गए, ठीक है। जो मुस्लिम थे मेजॉरिटी में, वो जाकर के माइनॉरिटी में हो गए, समझ रहे हैं ना, और जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में थे वहां माइनॉरिटी में हो गए, ताकि ये लोग जब वोट करें ना तो आपस में ये लोग लड़े, ठीक है, और ये लोग में मेजॉरिटी आ ही नहीं सके। तो इस तरह से धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए कि ये जो बंगाल है ये बहुत बड़ा इलाका है, इस पर रूल अकेले एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया पूरे बंगाल को, है ना, जबकि बंगाल को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़ा इलाका कह करके अंग्रेजों ने इसको इस तरह से डिवाइड किया, एक सांप्रदायिक चश्मे से डिवाइड किया, ताकि वहां पर अंग्रेजों को फायदा हो सके, लोग डिवाइडेड हो जाएं, इस तरह से वहां पर काम किया। और इसको भारतीय लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ। सन 1905 का जो बंगाल विभाजन था, इसमें इसका पुरजोर विरोध हुआ, और इसके खिलाफ हमने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया। तो अगर आपको एक प्रश्न, अभी जो बीपीएससी टीआरई का फेज टू हुआ था, इसमें एक प्रश्न पूछा कि स्वदेशी और विदेशी चीजों का त्याग करना, असहयोग और स्वदेशी, इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है, स्वदेशी चीजों की शुरुआत कब से हुई। तो याद रखिएगा, जो बायकॉट करने का हमारा तरीका है वो 1905 में सबसे पहले आया, ना कि 1920 ईस्वी में, 21 ईस्वी में, ठीक है। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें नहीं, सबसे पहले अगर कहीं पर आया था बायकॉट करने का, स्वदेशी अपनाने का, भैया विदेशी चीजों को बायकॉट करो और स्वदेशी चीज को अपना लो, ये कब आया था, 1905 में आया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ध्यान में रखिएगा इसको। 1906 में देखो एक बड़ी घटना हुई, यहीं पर देखिएगा, एक प्रश्न ये पूछा गया कि ये बताइए स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ, कौन सी बड़ी घटना हुई थी जिससे स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन 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 की शुरुआत हुई, यही चीज के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। आप लोग नोट्स में इसको पढ़िएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ में हुई। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। देखिए 1906 में फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, सन 1906 ईस्वी में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। देखो अंग्रेज क्या कर रहे थे, बहुत अच्छे से क्लियरली डिवाइड कर रहे थे, हिंदुओं को अलग, मुस्लिमों को अलग, हिंदुओं में भी छोटी जाति बड़ी जाति थी उसको भी अलग अलग डिवाइड करके वहां पर रूल करने की कोशिश कर रही थी। तो मुस्लिमों को उकसा भी रही थी अंग्रेज, ठीक है, कि तुम्हें ये अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार मिलने चाहिए। और मुस्लिम जब कोई अधिकार को लेकर के जाते थे, ये सच था, अंग्रेज बड़ी जल्दी उसको माना करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम अंग्रेजों से मिले हुए थे, है ना, वो चाहते थे कि मुस्लिमों को इतना यहाँ पर छूट दिया जाए ताकि ये एक समय खुद जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों अपनी अधिकारों के लिए लड़ाई करें, समझ रहे हो ना, इतना इनको दिया जाए छूट। तो इसलिए ये क्या करते थे, जो मुस्लिम लीडर थे वो जब भी कोई डिमांड को ले जाते थे बड़ी जल्दी अंग्रेज इसको माना करते थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हाँ, जब तक अपने अधिकार की बात करते थे मुस्लिम कि हमको ये अधिकार मिलने चाहिए, हम माइनॉरिटी हैं, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, मेजोरिटी से ये अधिकार हमको दिया जाए, तो वो मिल जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों से कुछ मांगा करते थे कि भाई ये आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तब फिर अंग्रेज वहां पर वही रवैया अपनाते थे जो हिंदुओं के साथ अपनाते थे। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, सर आगा खां एवं ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, एक नाम है आगा खां और दूसरा नाम है सलीमुल्ला खां। आगा खां और सलीमुल्ला खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया, ठीक है।
और फाइनली 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको 1911 में क्या हुआ, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रद्द कब हुआ, 1911 में हुआ था। चलिए, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के, है ना, दोनों ने आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में भी होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किया। तो भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, तिलक और एनी बेसेंट का, और एनी बेसेंट जो है इसमें फिर लगी रही, पीछे नहीं हटी। बाद में गदर पार्टी की भी स्थापना हुई सन 1913 ईस्वी में, और ये गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, अमरीका के अंदर में हुई थी, और इसमें जो स्थापना कर रहे थे, जो संस्थापक थे इसके, वो कौन थे, लाला हरदयाल थे। ठीक है, एहसान फराज, बाय बाय, कुछ काम है तो चले जाइए, बाद में देख लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 ईस्वी में किया था, तो ये प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। लॉर्ड, इसके अलावा ये जो वीवीआई में भी आप इसको रख सकते हो, बंगाल विभाजन, मैं लिखता नहीं हूँ वीवीआई, नॉर्मली सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होते तो एक क्लास के अंदर में सारा अगर पढ़ाना है, लेस इंपॉर्टेंट होता तो मैं छोड़ देता, सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको लेके आया। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, लाला हरदयाल ने किया था सन 1913 में, और लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन को वापस किया था, ध्यान में रखिएगा। ये जो 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया ये किसने किया था, इसके पीछे किसका कार्यकाल था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल के विभाजन को क्या हुआ, बंगाल के विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने लाया 1905 में, और इसको बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग ने किया। कब किया, सन 1911 ईस्वी में किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब देखो पहले क्या था, हमारी जो राजधानी थी वो कहां पर थी, कोलकाता थी। कहां पर थी, कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई भारत की राजधानी। भारत की राजधानी कहां थी, कलकत्ता में थी, और वहां से दिल्ली, जो आज का राजधानी हमारा, दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली लाया गया भारत की राजधानी को। और ये कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, और 1912 में एक बड़ा फैसला लिया कि कलकत्ता में जो भारत की राजधानी है इसको उठा करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया। किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने किया। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, जो आज की भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ये भारत की राजधानी कब बनी, ये सन 1912 ईस्वी में बनी। किसके कार्यकाल में बनी, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बनी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे यहां तक, चलिए कोई दिक्कत। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है जिसको कहते हैं खोंड विद्रोह। अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए ये जो खोंड विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1914 ईस्वी में, अक्टूबर सन 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो उड़ीसा की जो सामंतवादी रियासत है ना, जिसको दास पल्ला कहते थे, है ना, उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दास पल्ला में सन 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह हुआ। सिर्फ आपको डेट पूछा जाएगा कि खोंड विद्रोह कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो उड़ीसा के अंदर में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अब आते हैं यहां से, गांधी जी का कार्यकाल शुरू होता है 1905 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी जो है भारत आ गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे और क्या हुए, ये भारत आ गए। ठीक है, चलिए, जनवरी 1905 में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी, उसके बाद 1916 में ही एक बड़ी घटना हुई जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, दोनों के बीच क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। आपको पता है कि दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग डिवाइडेड हो गई थी। देखो, एक 1907 का सूरत स्प्लिट याद रखना, 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है बटना, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है 1907 की एक घटना। देखो, 1907 का जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसमें दोनों डिवाइडेड हो गए। कांग्रेस जो है वो दो खेमे में डिवाइड हो गई, कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई। ठीक है, पूरी कांग्रेस के अंदर में दोनों थे। 1906 में क्या हुआ था, 1906 में आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं क्या हुए थे, डिवाइडेड हो गए थे। और ये दोनों जो है पूरी तरह से यहां पर क्या हुए थे, डिवाइडेड हो गए थे 1907 के इसमें। और बाद में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अगेन समझौता हुआ, और फिर यहां पर क्या हुआ, इसी समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जनवरी 1915 में गांधी जी जैसे ही वापस आए, भारत के अंदर में एक बड़ा भूचाल आया कि दो पार्टियां जो डिवाइडेड थी, है ना, वो दोनों एक हो गई, और इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, सन 1916 में
में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ध्यान समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं यहां से थोड़ा सा आपका स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, ठीक है, जो जो आंदोलन थे उसका यहां पर कार्यकाल शुरू होता है। देखिए सन 1917 ईस्वी में भारत के अंदर में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए चंपारण जो कि आपको पता है बिहार का है ना, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण आप जानते हो, तो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र था, वहां पर जो चंपारण का क्षेत्र था वहां पर जो किसान खेती करते थे, तो अंग्रेजों का एक डिमांड था वहां पर, ये एक नियम था कि आपको अगर एक बीघा खेत है, ठीक है, एक बीघा खेत, इस एक बीघा के खेत में, बीघा समझते हैं 20 कट्ठा का एक बीघा होता है, एक बीघा के खेत में आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ेगी। किसमें करना होगा, 3 कट्ठे में, 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया है, कठिया मतलब कट्ठा, ठीक है, 3 कठिया सिस्टम, इसी को 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। यानी हर 20 कट्ठे में से, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा, इसी को 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। तो चंपारण के अंदर में 3 कठिया सिस्टम चल रहा था, कैसा सिस्टम चल रहा था, 3 कठिया सिस्टम, यानी हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी होगी। अगर किसी के पास 5 बीघा जमीन है तो उसको 15 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य होगा, उससे ज्यादा जितना वो कर सकता उससे कम वो नहीं कर सकता। नील की खेती जो कर रहा था इसमें दिक्कत क्या है भाई, किसान है खेती कर रहा है, क्यों किसान परेशान थे, इसमें दो बड़ी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या नील जो ये यहां पर चंपारण में आंदोलन हुआ तो किसानों की जो दो समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नील की खेती करने से जमीन जो है वो क्या होती है, बंजर हो जाती है, ये बात आप लोग बचपन से जान रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा था कि रेट सही नहीं मिल पाता था, क्यों क्यों रेट सही नहीं मिल पाता था, देखो जो इंग्लैंड थे इंटरनेशनल मार्केट में जब ये कपड़ा बेचते थे, इनका सीधा मुकाबला था जापान के साथ, जापान ने बहुत आधुनिक मशीन बना लिया था और उस मशीन के साथ वो कपड़े को बना करके सस्ते में मार्केट में बेचा करते थे। जापान ने छपाई करने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक ऐसा डाई तैयार किया था कि उस डाई से ऑटोमेटिक तरीके से बहुत सस्ते रेटों में छपाई हो सकती थी, है ना, कसीद जो कपड़े में जो छपाई होती है, जो अलग अलग पैटर्न होता है, वो करना बहुत आसान हो गया था, ठीक है, वो करना बहुत आसान हो गया था। तो उनको काफी सस्ते में अच्छा प्रिंट वो देते थे, प्रिंट वाला कपड़ा पहनते हैं ना, शर्ट टी शर्ट पहनते हैं ना, तो बहुत अच्छी प्रिंट वो प्रोवाइड करते थे। अब उसका मुकाबला करने के लिए कॉस्ट ऑफ जो कपड़े का बनाने का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट को कम करने के लिए अंग्रेजों ने जगह जगह पर कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया और वही चीज यहां पर किया। जो इंडिगो है, नील है, उस नील जो नील है ना वो रंग है, रंग से छपैया होता था कपड़ों में, प्रिंट होता था, प्रिंट छापा जाता था कपड़े में, डिजाइन बनते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जितने सस्ते में हम भारतीय लोगों से नील खरीदेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना ही हमारा कम होगा। जगह जगह उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना शुरू किया ताकि कम लागत में वो कपड़े को तैयार करे और इंटरनेशनल मार्केट में जापान से भी सस्ते कपड़े को वो बेच पाए। तो ये प्रिंट के अंदर में वो उन्होंने सस्ता लाने के लिए भारतीय लोगों को ऐसे बाध्य किया और रेट भी अच्छे से नहीं दे पाते थे। और सबसे बड़ी बात थी ये नील का जो खरीदने वाले लोग थे नील को, वो कौन थे, वो नील को खरीदने वाले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। जब एक ही खरीदार होगा तो उसकी मनमानी चलेगी, ठीक है, ठीक है, उनकी क्या चलेगी, मनमानी चलेगी, तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहां पर लोग काफी परेशान थे तीन कठिया सिस्टम से, हर 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करनी पड़ती थी, नहीं करने पर अंग्रेज मारते थे, पीटते थे, केस मुकदमा जेल वगैरह भेजा करते थे, और इसी चीज से लोग काफी परेशान थे। लोगों की जिंदगी धीरे 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 बद से बदतर हो रही थी चंपारण के अंदर में, और ये जो सिस्टम था काफी खराब सिस्टम था और इसके खिलाफ कोई आवाज उठा नहीं पाता था। लोकल लेवल पर आवाज उठाते थे, अंग्रेज उसको दबा देते थे। वहां के ही एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, कौन थे, राजकुमार शुक्ल, लोकल लीडर थे, किसान भी थे। इन्होंने जब लखनऊ का, आपको पता है कांग्रेस का दिसंबर में, हर महीने दिसंबर में एक बड़ा अधिवेशन होता था भारत में, हर जगह में होता था, मतलब आज इस
इलाके में हुआ तो कल दूसरे, अगले साल दूसरे इलाके में होगा, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसान आंदोलन में, राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में, है ना, लखनऊ का जब कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था सन 1916 में, ठीक है, तो इसी 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जो लखनऊ समझौता हुआ था यहां पर बताया, इसी समझौता जब हो रहा था कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ समझौता जो हुआ, इसी लखनऊ के ही अधिवेशन में 1916 में राजकुमार शुक्ला जी आए थे, गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी 1915 में ही भारत आए, जस्ट एक साल पहले, और इनका इतना नाम था गांधी जी का, चूंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने वहां पर सक्सेस मिला था गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, वहां पर लोगों को न्याय दिलाया था। तो यहां पर राजकुमार शुक्ला जी को लगा कि गांधी जी से वक्त मांगा जाए और उनको अगर समझाया जाए इस बात को, गांधी जी देखते हैं क्या कहते हैं, क्या वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं। गांधी जी ने पूरे मामले को सुना, राजकुमार शुक्ला की बातों को सुना, और उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम जो है चंपारण एक बार जरूर आएंगे। और इसी को इसी जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए गांधी जी क्या हुआ, जैसे ही इसको सुना, है ना, कांग्रेस अधिवेशन 1916 में, जस्ट 2-4 महीने के बाद जो है, यानी नेक्स्ट ईयर जो है, गांधी जी वो चंपारण आए, ठीक है। चंपारण की खबर लिया, सारी चीजें समझा कि हां सच में वहां काफी गलत हो रहा है, तो फाइनली गांधी जी वो आए। और यहां पर आने के बाद उन्होंने क्या किया, चंपारण का किसान आंदोलन की शुरुआत की, कब, सन 1917 ईस्वी में। और फाइनली किसान के, गांधी जी को अरेस्ट किया गया, बहुत सारा बवाल हुआ यहां पर, एक नेशनल न्यूज बना, फिर अंग्रेजों को माथा टेकना पड़ा गांधी जी के सामने कि हमसे गलती हुई है, और फिर उन्होंने ये जो तिनकटिया सिस्टम था इसको वापस ले लिया, अलग से किसान को मुआवजा भी यहां पर अंग्रेजों ने दिया, गांधी जी की अगेन फिर से यहां पर क्या हुई, जीत हो गई, ठीक है। इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने देखो अप्रैल या मई के महीने में सन 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, सन 1916 में, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में, है ना, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना है वो कब किया था, 1916 में इन्होंने ही किया था, लेकिन कहां पर किया था, मद्रास में किया था। तो ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कई बार एग्जामिनर ये पूछेगा कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। कब किया था, सन 1916 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर आरजू, मोनल, सेजल, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, कुछ लोग ये जो टॉपिक है इससे बाहर जाके सवाल पूछ रहे हैं और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, और करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि इतनी जो ये मैराथन क्लास है इसके अंदर में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और इसमें अगर सभी के इधर उधर के कमेंट पर अगर आंसर रिप्लाई करने लगे तो पूरा क्लास बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी दूसरे बच्चे जब देखेंगे उनके लिए भी क्या होगा कि उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी आज की अभी की समस्या आपके लिए रिलेवेंट होगी, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, और जो रिकॉर्डेड में भी 10-20-50,000 लोग देखेंगे उनके लिए भी रिलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कब सवाल पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। एट द एंड में आप कुछ पूछ सकते हो, लास्ट के 5 मिनट में जब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँगा, ठीक है, तो उस समय रिप्लाई मिलेगा आपको। चलिए, राजिया शेख, सन 1919 से 1947 के काल में महात्मा गांधी, है ना, किरणी नायक भूमिका जो है यहां पर निभा रहे थे, अतः यह युग जो है क्या, गांधी युग के नाम से जाना था। 1919 से बड़ी बड़ी आंदोलन शुरू हुई, और 1947 तक, जब तक अंग्रेज यहां से छोड़ के नहीं गए, गांधी का ही राज रहा, यानी गांधी का ही पूरे देश में बोलबाला रहा। गांधी ही सबसे बड़े गुरु थे, सबसे बड़े संत थे भारत के अंदर में, और यहां पर लाखों लोग, पूरे भारतीय अगर किसी को मान रहा था, एक नेता कोई था तो वो गांधी जी थे, और गांधी जी ने इस पीरियड में भारत के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए इस पीरियड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1919 लेके आए। 1919 का जो कानून था इसको ही क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया। देखो, इस जो ये जो प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद
10 साल बाद एक कमिटी बैठेगी और वो कमिटी इस बात की जांच करेगी कि ये जो इतना अच्छा कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें और क्या क्या प्रोविजन किया जाए और क्या क्या बदलाव लाया जाए जिससे भारतीयों को और फायदा हो, जिससे और भी जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त हो सके। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आई थी, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा गया। इसमें ये प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमिटी बैठना ही बैठना है। यही कारण था कि 10 साल बाद, यानी 10 साल जोड़ दोगे तो 1919 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1929 नहीं होगा, कितना होगा, 1929 नहीं होगा, ठीक है। 1929 में क्या था, एक कमिटी बैठनी थी, लेकिन 1929 से पहले ही एक कमिटी बैठ गई, कब, 1928 में। और याद है ये कमिटी कौन सी कमिटी थी, याद होगा, जिसको हमने कहा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन भारत में आई वो कब आई, 1928 ईस्वी में आई। और ये साइमन कमीशन किस लिए आई थी भारत में, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था इसके 10 साल के कामकाज को टटोलने आई थी, किस तरह से ये कानून काम किया है और इसमें क्या अच्छे प्रोविजन होना चाहिए। तो जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन वो 1928 में आई। कहां से इसका प्रोविजन था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजन था कि 10 साल बाद इस एक्ट का रिव्यू किया जाएगा सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा। उसी को लेकर के यहां पर एक कमेटी बैठी थी जिसको साइमन कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य मेंबर थे और सातों के सातों अंग्रेज अधिकारी थे। चूंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसका क्या किया था, पुरजोर विरोध किया था। और 3 फरवरी 1928 को जब क्या हुआ था कि ये साइमन कमीशन बंबई आया, तो उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। हमने कहा था साइमन गो बैक, साइमन जो है तुम वापस चले जाओ, है ना, 3 फरवरी 1928 को। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो ये बंबई में लैंड किया था, बंबई में आया था, और इसी में हमने नारा लगाया था साइमन गो बैक। क्या लगाया था कि साइमन तुम वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाया था, साइमन गो बैक। हम लोग अंग्रेजी भी बोलते थे, नहीं जी हम लोग अंग्रेजी भी बोल रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। और यही साइमन गो बैक का जब चल रहा था, समझ रहे ना, जब ये प्रदर्शन चल रहा था, इसी में एक लाठी लगी किसको, लाला लाजपत राय को, और लाला लाजपत राय वहीं पर क्या हुए, खत्म हो गए, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध में ही हुई थी, उसमें एक पुलिस अधिकारी ने डंडा से मार दिया था, बाद में उनकी क्या हुई, यहां पर डेथ हो गई थी। चलिए, मैं ज्यादातर टॉपिक से चिपक के रहता हूँ, आपको थोड़ा कम हंसाता हूँ, लेकिन आप टॉपिक की गहराई और इसमें जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के आप मोटिवेट होके पढ़ा करो, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कब पता नहीं कब क्लास बंद हो जाए, इन्वर्टर पर क्लास चल रही है, ठीक है। अब आते हैं, चूंकि एक बार ऐसे ही हुआ था, मैराथन क्लास हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीक में और फिर इन्वर्टर ने दम तोड़ दिया था, तो कल रात से ही लाइन नहीं है हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी और इन्वर्टर पे क्लास चल रही है। बस भगवान करे, गॉड करे, अल्लाह करे कि ये क्लास जो है पूरी किसी तरह कंप्लीट हो जाए। रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा किसी भारतीय को, है ना, बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, ये कानून जो है रॉलेट एक्ट आया था। देखो रॉलेट एक्ट का अपना एक इतिहास है, अगर इधर नहीं दिया है तो मैं यहां पर बताऊंगा आपको, फिर समय लूंगा। रॉलेट एक्ट देखो, रॉलेट एक्ट पास कब हुआ था, 10 मार्च 1919 को पास हुआ था। रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को हुआ था। मैं आपको से एक एक्स्ट्रा पेज मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, थोड़ा सा रॉलेट एक्ट को पढ़ लेते हैं और रॉलेट एक्ट से लेकर के हम थोड़ी सी कहानी बनाएंगे और धीरे धीरे जालियांवाला बाग हत्याकांड तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं बात को, जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए रॉलेट एक्ट पर एक कहानी बनाते हैं, रॉलेट एक्ट से क्या कहानी शुरू हुई थी। देखो सबसे पहले आ जाते हैं रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था, यह रॉलेट एक्ट क्या था। देखो रॉलेट एक्ट अगर एक शब्द में कहें तो यह एक काला कानून था। कैसा कानून था, काला कानून था। क्यों काला कानून था, क्योंकि इसके अंदर में आपको 2 वर्ष तक कैद था, 2 वर्ष तक कैद था। इसके अंदर में बेल था क्या, आंसर होगा नो बेल, कोई भी बेल नहीं था,
समझ रहे हो, आपको वकील रखने तक का इजाजत नहीं था, आपके एक डिफेंस में लॉयर खड़ा नहीं हो सकता था, 2 साल तक बेल कैद था और वो भी नो बेल, सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ क्या था भैया, शक के आधार पर, आप पर शक होगी, शक के आधार पर कि आप कुछ अंग्रेज के खिलाफ कुछ गलत कर रहे हो, शक के आधार पर आपको 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। सोचो पुलिस आपके बगल में जो थाना है वो आप पर शक कर ले और 2 साल तक कैद में रखे, काल कोठरी में बंद करके रखे, ठीक है, काल कोठरी में वो बंद करके रखे, समझ रहे हैं ना, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपका वो 2 साल बहुत कीमती वक्त बर्बाद नहीं होगा। और ऐसे हर अच्छे इंसान के खिलाफ ऐसा हो रहा था, ये कानून लाया गया था भारतीय लोगों को का मुंह बंद कराने के लिए, ठीक है। तो इसका पुरजोर विरोध हुआ। सबसे पहले देखो ये पास कब हुआ था, रॉलेट एक्ट जो है पास हुआ था 10 मार्च 1919 को, 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक है, ये पास हुआ था। देखो ये काला कानून था, गांधी जी को समझ में आ गया था, गांधी जी यहां पर क्या क्या करने वाले थे एक बार समझना, यहां पर गांधी जी यहां पर क्या क्या करने वाले थे। देखो गांधी जी ने पूरा मन बना लिया इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। गांधी जी ने क्या किया यहां पर, क्या किया कि 6 अप्रैल 1919 को, मार्च में पास हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सीधा कहा कि हम रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं, रॉलेट सत्याग्रह हम शुरू करेंगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया। जैसे ही 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ तो इसके 7 दिन बाद प्लस 7 डेज ऐड कर दो, 7 6 कितना हो गया, 13 हुआ ना, तो 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना होती है 13 अप्रैल को, और वो घटना का नाम पता है क्या था, वो घटना का नाम था 13 अप्रैल 1919 की घटना को, उसका नाम था जालियांवाला बाग, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये कहां पर हुआ था बता सकते हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कहां हुई थी, ये अमृतसर के अंदर में एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग, वहीं पर ये कांड हुआ था और इसमें सैकड़ों लोगों को गोली से मार दिया गया था, ठीक है, 100 कुछ लोगों को जो है मार दिया गया था गोली से। तो 6 अप्रैल 1919 को जब ये रॉलेट सत्याग्रह पास हुआ, गांधी जी ने कहा 10 मार्च 1919 को पास हुआ, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया और भारतीय लोगों को कहा कि इसका विरोध करो, ठीक है। तो ये मार्शल लॉ, जैसे अभी के हमें अंदर में क्या होता है इमरजेंसी लगता है ना, उस समय मार्शल लॉ लाया गया था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मार्शल लॉ लाया, और इसी मार्शल लॉ में ये प्रोविजन था कि भैया एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज हुआ कि अमृतसर के अंदर में 2 लोकल लीडर थे, एक का नाम था सत्यपाल किचलू, है ना, और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लोकल लीडर थे, लोग काफी प्यार करते थे, लोग उसके खिलाफ इकट्ठा हुए कहां, अमृतसर के इस जालियांवाला बाग के अंदर में, और वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ अपनी बात को वो लोग रख रहे थे, मीटिंग में बैठे हुए थे। और इसी बीच जनरल डायर को ये पता चलता है कि इतने सारे लोग इकट्ठा है और मन बना करके ये सारे सशस्त्र जो ये थे आर्मी मैन थे उसको ले गए, पुलिस को ले गए, और वहां पर अंधाधुंध एक ही गेट था आने जाने का, वहां पर उसको ब्लॉक किया, लोग भाग ना पाए, और अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया, और वहां पर लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई और लोग जो है उस घटना में 100 कुछ लोग थे जो मारे गए उसमें, बहुत बड़ी घटना थी। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको पता है इसके बाद 2 महापुरुषों ने अपनी उपाधि को त्याग, बहुत सारे लोगों ने त्यागा, लेकिन 2 जो बहुत नाम याद रखना चाहिए हमको, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी को इसके बाद ये जो प्रदर्शन हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बहुत बड़ा प्रदर्शन होने लगा देश में, अंग्रेजों के ऊपर अटैक होने लगे, और गांधी जी ने फाइनली ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से लोग दुखी थे, उसके बाद जो देश के अंदर में एक हिंसा का माहौल फैला, लोगों ने हथियार उठाना शुरू किया, लोगों ने जगह जगह मारना शुरू किया, तो गांधी जी ने फाइनली इस जो रॉलेट सत्याग्रह है इसको वापस ले लिया और कहा कि भैया इस तरह की चीजें हमको नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। तो
यहां पर उन्होंने इसको वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आप जान रहे हो इसको। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी ने भी कुछ त्यागा था क्या? गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ये दोनों पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ध्यान में रखेगा, ये भी वीवीआई है ध्यान में रखेगा, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू दोनों जो कि राष्ट्रवादी नेता थे, लोकल लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के विरोध में अमृतसर में सारे लोग जमा हुए थे और वहीं पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। द मॉर्निंग पोस्ट ने बाद में, चूंकि जो जनरल डायर थे उन्होंने मारा था और जनरल डायर पर जब मुकदमा चला तो जनरल डायर अकेले उस मुकदमे को कैसे लड़ते, तो द मॉर्निंग पोस्ट जो कि जो इंग्लैंड का न्यूज़पेपर था, उन्होंने इंग्लैंड में फंड मांगा, उन्होंने चंदा मांगा इंग्लैंड में कि भाई जनरल डायर ने बहुत अच्छा काम किया, आप सभी लोग हमको चंदा दो, हम जनरल डायर को बहुत पैसा देंगे। और पूरे इंग्लैंड के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसमें डोनेट किया और उस पैसे को बाद में जनरल डायर को दिया गया एज अ अवार्ड के तौर पर कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, समझ रहे हो। लेकिन बाद में इसका बदला किसने लिया? उद्धम सिंह ने लिया। उद्धम सिंह ने ठान लिया था कि ये जनरल डायर को हम सबक सिखा के रहेंगे, जब जनरल डायर रिटायर होकर के मुकदमे वगैरह से फारिग हो गए, मुकदमा उस पर कुछ नहीं हुआ, उनको पूरी रियायत मिल गई और वो रिटायर होकर चले गए अपने देश वापस, तो उद्धम सिंह वहां पर जाकर के उन्होंने फिर जनरल डायर को गोली मारा था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जनरल डायर को इंग्लैंड में किसने गोली मारी, तो आंसर क्या होगा? उद्धम सिंह ने मारी थी वहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 1920 ईस्वी में एमएन रॉय ने, है ना, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है क्या हुआ, पारित हुआ, ठीक है। 1920 में अगर आपको पूछा जाए असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको चलाने का जो कब पारित हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता का अधिवेशन था कांग्रेस का 1920 में, सितंबर महीने में चल रहा था, इसी में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की यहां पर बात हुई। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह का एक मूवमेंट था, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन, ठीक है, मुझे तो जगह कम पड़ रही है लिखने का, नॉन कॉपरेशन। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडिया है गांधी जी को सन 1908 में ही आ गया था, और सन 1905 में ही जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भारत के अंदर में, सॉरी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, आपको पता है बंगाल विभाजन के खिलाफ, तो उसमें भी तो कहा गया था कि स्वदेशी चीज को अपनाओ, जो अंग्रेजी चीज है, जो विदेशी है उसको बायकॉट करो, है ना, वो बात आई थी 1905 में। गांधी जी ने 1908 में एक किताब लिखी थी, एक पब्लिश किया था किताब को, उसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज गांधी जी की किताब थी, हिंद स्वराज। मैंने पढ़ाया भी आपको बुक वाले सेक्शन में कि हिंद स्वराज किसकी किताब है, तो याद रखिएगा हिंद स्वराज गांधी जी की किताब। गांधी जी ने ये हिंद स्वराज जो बुक थी, हिंद स्वराज बुक, ये क्या थी, एक किताब थी। इस बुक के अंदर में गांधी जी ने बड़े अच्छे अच्छे विचार को प्रकट किया। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा कि जो कुछ हजार ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको, लाखों लोग कॉपरेट करेंगे, भैया हम पर आओ, हम पर रूल करो, हमको गुलाम बना के रखो, हम लोगों ने इजाजत दे रखा है कि गुलाम बनाओ, हम उसके जूते साफ करते हैं, हम उनके गार्डन में पानी पटाते हैं, हम उनके लिए खाना बनाते हैं, हम उनके कपड़े प्रेस करते हैं, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हम उनके लिए रेल चलाते हैं, हम उनके लिए सारी शासन व्यवस्था में जहां जहां उन्होंने हमको एक एक पद दे रखा है, कुछ पैसे दे रखा है, हम लालच में आकर के उनके सारे जो शासन व्यवस्था है उसमें कॉपरेट करते हैं और उसको चलाने का काम करते हैं। अगर हम लाखों भारतीय क्या करें, इस हजारों जो जो अंग्रेज है इसके खिलाफ हो जाएं, ठीक है, इसके खिलाफ हम लोग इसके खिलाफ हो जाएं और इसको कॉपरेट ही ना करें तो भारत में ये 10 दिन से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा, 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा, कुछ ही दिन में इसको बोरिया बिस्तर बांध करके भारत में ये रूल नहीं कर पाएगा, इसको भागना पड़ेगा, इसकी सारी शासन व्यवस्था भारत में चौपट हो जाएगी। इसमें इतना स्मूथ शासन व्यवस्था चल रहा है, इसमें हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं जो हम लोग इतना उसको मदद कर रहे हैं, और किस लिए मदद कर रहे हैं, खुद गुलाम बनने के लिए, खुद गुलाम बने हुए हैं और दूसरे को मदद कर रहे हैं। इस तरह का विचार इन्होंने प्रकट किया और कहा कि अगर हम लोग अपना कॉपरेशन वापस ले लें, अपना सहयोग वापस ले लें, तो पूरा का पूरा जो अंग्रेजी व्यवस्था है भारत के अंदर में वो धड़ाम से खत्म हो जाएगा और वो बाहर का रास्ता ले लेंगे अंग्रेज। तो इसी बात को लेकर के गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की एक बार फिर से शुरुआत रखी।
असहयोग आंदोलन में जो बच्चे थे वो अंग्रेज स्कूल जाना छोड़ दिए थे, है ना, नए नए जो मदरसे बने, नए नए जो है भारतीय कॉलेज बने, भारतीय स्कूल बने, है ना, जो जो लॉयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू छोड़ दिया था, जो माली थे वो गार्डन जाना छोड़ दिया था वहाँ पर, है ना, जो उनके यहाँ खाना बनाते थे, साफ सफाई, जूते मोजे, जो हर एक तरह का काम था, है ना, जो बहुत इमरजेंसी वाला काम था उसको छोड़ करके बाकी हर जगह से सभी लोगों ने क्या किया, वहां पर काम पर जाना ही बंद कर दिया कि हम लोग बिल्कुल काम को त्याग देंगे और अंग्रेज देखते हैं कैसे देश चला लेता है, समझ रहे हो ना। जैसे आज क्या होता है, जैसे देखोगे आज प्रदर्शन करते हैं हम लोग, जो अगर मान लो कोई ऐसा कानून आ गया जिसमें कि ड्राइवर के खिलाफ है, तो ड्राइवर क्या करते हैं उसमें प्रदर्शन करते हैं, सारी बसें वगैरह बंद रहेंगे, ट्रकें बंद रहेंगे, आपको एक जगह से दूसरे जाने जगह जाने में कितना दिक्कत होता है। डॉक्टर्स जब क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो आप क्लिनिक नहीं आते हैं तो पेशेंट को कितनी दिक्कत होती है, तब हम लोगों को महसूस होती है कि डॉक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। उसी तरह से लोग भी अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए और अंग्रेज को भगाने के लिए इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो असहयोग आंदोलन बेसिकली किस तरह का आंदोलन था, आपने इसको यहां पर समझा। अब आगे थोड़ा कहानी को बढ़ाते हैं। देखो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की AITUC की स्थापना की। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में कई बार यह पूछा है, मैं इसको VVI में लिख देता हूं। देखो VVI तो हर जगह है, मैं अगर 2-4-10 जगह लिख दूं सिर्फ उसी को याद करना, बाकी छोड़ देना, तो ये आपकी क्या होगी, गलती होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, तो AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में, ये डेट याद रखिएगा, 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ और प्रथम जन आंदोलन था। अगर पूछा जाए असहयोग आंदोलन किस तरह का आंदोलन था, तो ये प्रथम जन आंदोलन था। और यही आंदोलन के समय में आपको पता है एक बहुत बड़ी घटना होती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उग्र भीड़ के द्वारा थाने पर क्या होता है, हमला कर दिया जाता है और 22 पुलिसकर्मियों की जान वहां पर चली जाती है। होता क्या है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जा रहा था और क्या था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उसके बदन में क्या हो रही थी, खुजली हो रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर का जो ये था, जो अधिकारी थे, उनको ना रात में नींद आ रहा था ना सुबह में चैन आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो, इनको डंगाना चालू करो। पीसफुल प्रोटेस्ट जा रहा है, थाने के आगे से गुजर रहा है, और फालतू में इन लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट पर क्या हुई, लाठियां बरसानी शुरू की, गोलियां दागनी शुरू किया। तो यहाँ पर लोग इतने गुस्से में थे, समझ रहे हो, हजारों की भीड़ में चार लोग मिल करके अगर बदमाशी करोगे तो हजारों की भीड़ आपको फिर क्या करेगी। तो यहाँ पर फिर लोगों ने क्या किया कि पूरी तरह से थाने को घेर लिया, पकड़ पकड़ के उनको मारा, पुलिस अधिकारी को, और लोगों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। यही चीज गांधी जी मना कर रहे थे, और फिर लोगों ने क्या किया, यहां पर समझे ही नहीं कि वो कितना भी हम पे जुल्म करे, हमको अपना जो ड्रीम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं भूलना है, हमारा लक्ष्य के प्रति रहना है। 5 फरवरी 1922 को लोगों ने पुलिस पर फिर अटैक कर दिया, उसी समय पूरे थाने को घेर लिया और थाने में लोगों को, एक तो पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के मारा, और जो छिप गए अंदर जाकर के, फाइनली थाने को बाहर से, है ना, जो तेल छिटक करके पूरी पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो क्या हुए, वहां पर जलकर राख हो गए, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो इसी घटना, ये बहुत बड़ी घटना थी चौरी चौरा कांड, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने फिर फाइनली निर्णय लिया। ये कब हुई थी, 5 फरवरी को हुई थी, इसके 7 दिन बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ये निर्णय लिया कि लोग अभी भी जो हमारा असहयोग आंदोलन है, जो हमारा ये है ना आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था गांधी जी का, सत्याग्रह इसको कहते हैं, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो था ना, इसको कहीं ना कहीं लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे, गांधी जी को लग रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को एक निर्णय लिया कि हम असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, भैया हम असहयोग आंदोलन देश में नहीं करना चाहते हैं। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, आप लोग बात बात पे इस तरह से हिंसक हो जा रहे हो। तो फाइनली क्या हुआ, चूंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, 22 पुलिसकर्मी मरा था, इस किसी को तो जिम्मेवार ठहराना था, गांधी
गांधी जी ने चुकी यह आंदोलन की शुरुआत की थी, सीधा सीधा मुकदमा गांधी जी पर चला और 6 साल के लिए गांधी जी को सजा हो गई। एक सन्नाटा सा छा गया 1922 से लेकर के 1928 तक के बीच में। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई 1922 से 28 के बीच में। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो फिर 1928 में साइमन गो बैक का नारा लगा और फिर वहां से एक अलग कहानी की शुरुआत होती है। 5-6 साल तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1922 से 28 के बीच में बड़ी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई। 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई? 1924। ये सवाल कितनी बार पूछा है मुझे, मैंने तो कई बार एग्जामिनेशन में देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सन 1924 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में आपको याद होगा, काकोरी कांड जो भारत में हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाने की क्रांतिकारियों ने क्या किया था, लूट लिया था। ठीक है, जो खजाना यहां से जा रहा था, सोने जेवरात जो भी जा रहे थे उसको यहां पर लोगों ने लूट लिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 की यह घटना है। काकोरी कांड कब हुई थी? 1925 में। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? गांधी 1922 ईस्वी में असहयोग चौरी चौरा कांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 20 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुई, ध्यान में रखेंगे, है ना। और 1922 में ही चौरी चौरा कांड को वापस भी ले लिया था गांधी जी ने। 1924 में बड़ी घटना होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहां पर होती है। 1925 में अगले ही साल दो बड़ी घटना होती है 1925 में, एक तो काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस, दूसरा आरएसएस की स्थापना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1925 ईस्वी में ही आरएसएस की ही स्थापना हुई थी, यह भी ध्यान में रखिएगा। पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। तो यह याद रखिएगा, एक सवाल पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी। पूर्ण स्वराज हमने मांगा था ना कि भैया हमको पूर्ण स्वराज दे दो, हमारा जो राज्य है वो पूरी तरह से दे दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए। ये बात हमने कब कही थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा था। और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये कहानी देखो 1925 में आ रहा है ना, तो ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ये कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी, ध्यान में रखेंगे। अब देखो 1927 ईस्वी में, है ना, ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टेचुरी कमीशन, जिसको साइमन कमीशन कहते हैं, साइमन कमीशन का नाम क्या था, पूरा नाम इंडियन स्टेचुरी कमीशन। यह साइमन कमीशन क्यों आया था, आपको मैंने एक कहानी बताई थी कि भैया देखो एक कानून था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का कानून था, और इसी में एक बात लिखी हुई थी कि 10 साल के बाद एक कमेटी बैठेगी और वो कमेटी इसका रिव्यू करेगी। क्या करेगी? इस कानून का रिव्यू करेगी। और उसी को लेकर के 1927 में ही, 1929 में होता तो 27 में ही एक कमिटी बना दी गई, इंडियन स्टेचुरी कमीशन। और ये जो कमीशन थी इसमें 7 लोग थे और 7ों के 7ों सदस्य अंग्रेज थे, और इसके चुके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था, इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ठीक है, हां ये सही कहा, आरएसएस की स्थापना हुई थी। तो 1925 में भी अभी आएगा, कहीं पर मेंशन है आरएसएस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, कहीं पर मेंशन है, मिलेगा आपको। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली और तथा फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में। किसने किया था? 2 शख्स का नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने दिल्ली में स्थित जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहीं पर HSRA की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाम इसमें याद रखिएगा, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो भगत सिंह है, दूसरा चंद्रशेखर आजाद है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है इन्होंने किया था, HSRA की स्थापना, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब बंबई पर पहुंचा तो हमने इसका स्वागत किया काले झंडों से, हड़ताल हमने किया, हमने प्रदर्शन किया, हमने नारे लगाए, साइमन गो बैक का नारा लगाया। फाइनली इसमें लाला लाजपत राय वगैरह की जो है लाठी लगने से किस तरह से
जहां पर डेथ हो जाती है, वो सारी चीजें हमने आपको बताया। फाइनली 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट आती है जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कौन नेहरू रिपोर्ट लेकर के आया था? मोतीलाल नेहरू ले गया था। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया था, इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। गुजरात के सूरत जिले में के बारदोली में फरवरी 1928 में ही किसानों का जो है आंदोलन होता है, जिसको बारदोली सत्याग्रह कहते हैं, और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह की अध्यक्षता कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह की अध्यक्षता में नाम किसका आएगा? बारदोली का जब भी नाम आएगा वल्लभ भाई पटेल का, ना कि गांधी जी का। तो बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? 1928 ईस्वी में किसानों का यह आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसानों का आंदोलन था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहीं पर मिली थी। किसानों के हक के लिए जब सरदार यहां पर वल्लभ भाई पटेल लड़ रहे थे, तो यहां की महिलाएं जो है खुश होकर के वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, उसको सरदार कहा था। तो वहीं से वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाते हैं। कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि जो वल्लभ भाई पटेल थे इसको सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली, तो याद रखिएगा इन किसानों के लिए जो बारदोली आंदोलन लड़ा था, बारदोली आंदोलन में अगुवाई किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो किसान की महिलाओं ने, जो किसान महिलाएं थी, किसान वुमेन थी, उन्होंने, फार्मर वुमेन ने ही इनको क्या किया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान में रखेंगे इसको, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 1928 में बिहठा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया था। तो इसके अलावा 1 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 1928 में स्वामी सहजानंद के द्वारा 1928 में बिहठा में किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो बिहठा में 1928 में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वामी सहजानंद के बारे में पूछा जाता है। किसान सभा की स्थापना किसने किया? स्वामी सहजानंद ने किया था। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा अगर पूछे आपको, अखिल भारतीय किसान सभा पूछे, तो इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी, और यह कब हुई थी? लखनऊ के अंदर में हुई थी। कब हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1928 में। तो ये दोनों किसान सभा, एक तो किसान सभा जो स्वामी सहजानंद के द्वारा 1928 में हुई, 1928 में एक और बड़ी घटना हुई थी, साइमन गो बैक का नारा लगा था, आपको पता है। 1929 में एक बड़ी घटना हुई थी, पूर्ण स्वराज का मांग किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, यह भी आपको पता है, ठीक है। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की जो है स्थापना हुई, और 1929 में एमएन जोशी ने AITUF का गठन किया था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सूर्य सेन के नेतृत्व में जो है क्या हुई थी? क्रांतिकारी छापा ने क्या किया था? छापा मारा था, और सरकारी शस्त्रागार पर यहां पर जो अंग्रेजों के हथियार थे उसको सूर्यसेन की अध्यक्षता में जो 1930 में चटगांव में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसमें अंग्रेज जेल में जाकर के, अंग्रेजी जेल में जाकर के इन्होंने, सूर्यसेन ने पूरी टीम के साथ यहां पर पूरी तरह से क्रांतिकारियों ने छापा मारा, और सारा जो हथियार था अंग्रेजों का उसको यहां पर लूट के लेके चले गए। कौन? सूर्यसेन लेके चले गए। क्रांतिकारी नेता थे ये, क्रांतिकारी लीडर थे, हिंसा का रास्ता अपनाया था देश को आजाद करने के लिए। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें थोड़ा सा एक कहानी है, ठीक है। देखो कहानी यह है कि 11 मार्च का वो दिन था, 11 मार्च 1930 का, आज भी याद है वो दिन, है ना? क्या आप अवेलेबल थे क्या उस दिन में? क्या वो दिन याद है आपको? 11 मार्च 1930 का वो दिन था जिसमें आपको याद होगा, 11 मार्च 1930 का वो दिन था, ठीक है। और लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। कौन वायसराय थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन थे? वायसराय थे। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के अंदर में वायसराय थे। गांधी जी ने एक खत लिखा। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने खत लिखा। और कबूतर को दिया और बोला, कबूतर जा जा जा, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने क्या किया था? एक खत लिखा था। किसको? लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। डियर लॉर्ड इरविन,
है ना, कहा कि मेरे प्यारे लॉर्ड इरविन, मैं तुम्हें समय देता हूं 11 मार्च 1930 का, अगर तुम तक अगर तुमने ये हमारे जो कुछ डिमांड्स हैं इसको नहीं माना तो हम तुम्हारे खिलाफ 12 मार्च 1930 से एक ऐसा आंदोलन करेंगे, एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोचे होगे। ठीक है, ये बात किसने कहा? गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिख करके कहा, मेरे प्यारे इरविन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम ये सारे जो डिमांड हैं, जो कि जिसमें किसानों के डिमांड थे, जिसमें बिजनेसमैन के डिमांड थे, आदिवासियों के डिमांड थे, भारत के हर एक सेक्शन का डिमांड उठाया था, हर घर का एक डिमांड लिया था, जो नमक का डिमांड था कि भैया नमक को सस्ता किया जाए, नमक काफी महंगा था। ठीक है, तो नमक कानून जो लाया गया था उससे महिलाएं, घर घर की महिलाएं जुड़ी थी, वो नमक डेली खाना में डालती थी, उसको ऐसा मामला को उठाया गांधी जी ने ताकि घर घर ही इस बात को पहुंचाया जा सके और सारे लोग इकट्ठा होकर के यहां पर लड़ाई लड़े। तो लॉर्ड इरविन को कहा कि डियर इरविन, मान जाओ मेरी बात, 11 मार्च 1930 का मैंने अल्टीमेटम तुमको दे रहा हूं, नहीं मानोगे अगले ही दिन 12 मार्च 1930 से एक ऐसा भूचाल देश के अंदर में लाऊंगा, है ना, कि तुम देखते रह जाओगे। तो फिर फाइनली वही हुआ, लॉर्ड इरविन को लगा, रहे गांधी जी ऐसे पत्र लिखते रहते हैं, हटाओ इसको, भग जाने दो, ध्यान में देखना ही नहीं है, एकदम नो, ध्यान में नहीं लेना। लॉर्ड इरविन ने हल्के में लिया गांधी जी को और लगा कि एक लाठी से बेचारा क्या कर लेगा इन ये। ठीक है, लेकिन हालांकि वो जानते थे गांधी जी किस तरह के शख्सियत हैं, गांधी जी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब गांधी जी। ठीक है, तो और पूरे देश के लोग गांधी जी को मानते थे। तो फाइनली क्या हुआ कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस ऑबीडियंस मूवमेंट, हिंदी मीडियम का छात्र हूं, कहीं लिखने में गलती हो क्षमा करेंगे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने यहां पर किया 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। इन्होंने चूंकि अल्टीमेटम तो माना नहीं, किस्मत इनकी खराब थी, तो 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम जो उनका आश्रम था, है ना, कहां पर था, दांडी में, ये आपका साबरमती आश्रम गुजरात के अंदर में था, तो यहां से इन्होंने 78 लोगों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ पैदल चलना शुरू किया और ये समुद्र के किनारे दांडी में गए और वहां पर जाकर के समुद्री पानी को लिया, हांडी में लेकर के उसको उबाला, उबाल करके नमक को प्राप्त किया और वहां से जो अंग्रेजों का एक कानून था कि जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं नमक नहीं बना सकते हैं, उसको गांधी जी ने तोड़ा। और ये चीज सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, जब गांधी जी ने इस तरह का आश्वासन दिया कि हम ऐसा करने वाले हैं तो अलग अलग इलाके में जो छोटे छोटे लीडर थे समुद्र के किनारे या उसके आसपास के राज्यों में, सब अलग अलग अपने अपने एरिया में समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए और सबने हर जगह नमक कानून को तोड़ा। यहां पर 78 अनुयायी इसमें शामिल थे, है ना, इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी तो 12 मार्च 1930 को हुई थी, साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात के गांधी तट दांडी तक हुई थी। 78 अनुयायी इसमें भाग लिए थे, 243 माइल की दूरी यहां पर शायद उन्होंने तय किया था। और फाइनली 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को 1930 को समुद्र के पानी से नमक जो है यहां पर, 12 मार्च का अल्टीमेटम दिया था ना, और फिर चलते चलते 5 मार्च तक यहां पर इस ये जो यात्रा थी ना दांडी मार्च वाली, इसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 5 अप्रैल को गांधी जी फाइनली दांडी पहुंचे, बोले बहुत थक गए हैं आज रहने दो, है ना, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, 6 तारीख को हम लोग कुछ कर लेंगे। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को फाइनली इन्होंने तोड़ दिया, उल्लंघन किया। ठीक है, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनम्रता के साथ, सविनय मतलब साथ, विनय मतलब विनम्रता, सविनय अवज्ञा मतलब क्या हुआ, अवहेलना आंदोलन, यानी कि जो आपका कानून है उसको, उसकी हम अवहेलना करेंगे बिना बिना हिंसक हुए हुए। ठीक है, अहिंसा का रास्ता अपनाए हुए। ठीक है, चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से फाइनली इन्होंने इनकार कर दिया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो देखो हम कहेंगे वस्त्र नहीं पहनेंगे तो क्या हमने कोई हथियार उठाया, क्या कोई हिंसा किया, क्या नहीं, ये तो अहिंसक तरीके से भी हमने प्रदर्शन किया। उन्होंने जो कैदी थे उन्होंने जेल का जो वस्त्र है, जो ड्रेस था, उसको पहनने से मना कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन उन्होंने वहां पर किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव
सुखदेव और राजगुरु को आपको पता है फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन, गांधी ने इरविन को समझ में आ गया गांधी जी क्या बड़ी चीज है। और आपको पता है कि तीन बड़े सम्मेलन हो रहे थे जिसको गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया जाता है। मैं ढूंढ रहा हूं कि मैंने कहां पर उसको लिखवाया है, अभी तक तो नहीं मिल रहा है मुझे, शायद इसमें उसका मेंशन नहीं है, मैं अलग से आपको यहां पर लिखवा के बता देता हूं। देखिए गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, एक पेज फिर से लेना होगा। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, उसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, या फिर इसको बोलेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आरटीसी, समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को। गोल मतलब राउंड, टेबल मेज मतलब टेबल, और सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, कितने हुए, तीन, ठीक है। सबसे पहला 1900 और ये तीसरा 1900। अब देखो 1900 कब हुआ, 30 में हुआ पहला सम्मेलन, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा। टोटल कितने सम्मेलन हुए, तीन। क्या 1900 पहली सम्मेलन में जो पहला सम्मेलन था, है ना, पहली सम्मेलन पहली वाली, ये दूसरी थी, ठीक है, ये तीसरी वाली, धर्मपत्नी मत समझ लेना, पहली दूसरी तीसरी कह रहा हूं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहली सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। पहली सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने क्या किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक ने, नहीं किया था, समझ रहे हैं ना। अब बोलो इतनी बड़ी सम्मेलन हो रही थी, ये गोलमेज सम्मेलन थी क्या, चलिए अब देखो यहां पर, यहां पर 1930 में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, 1930 में। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या, गोलमेज सम्मेलन, देखो एक, ये एक तरह का ऐसा सम्मेलन था जिसमें, जिसके लिए कानून बन रहा था, उससे पूछा जा रहा था कि ये बताइए आपके लिए जो कानून बन रहा है भारत के अंदर में, क्या भारत में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और भारत के अंदर में क्या क्या अच्छे प्रोविजन लाया जाए जिससे भारत के लोगों को लाभ मिले, भारत खुशहाली की ओर बढ़े, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल चुका था, इतने बड़े बड़े आंदोलन अंग्रेजों ने देखा था 1921 में, सुधरना शुरू कर दिया था 1928 में, सामन गो बैक, हम लोग हर चीज के लिए ना एकजुट हो जाते थे, कोई बड़ा इशू आया सारे लोग एकजुट हो जाए, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि पुराना रवैया चलेगा नहीं, धीरे 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 सिस्टम में सुधार करना होगा और भारतीयों के लोगों की मन की बात को जानना होगा। और इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन बुलाया था, और अपने यहां बुला करके बढ़िया बढ़िया चीज खिलाओ और उससे बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बात करो, उसको जो कुछ लोग वहां के लीडर हैं यहां आएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, बड़े लोगों से मिलकर के थोड़ा बड़ा महसूस करेंगे, हमारे खिलाफ थोड़ा भारत में कम जहर उगलेंगे ये सारे लोग, और ये सारे नेता भारत में थोड़ा चुप रहेंगे, और जो इनके कुछ डिमांड है उसमें जो जो मान सकते हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है, मान लेंगे हम लोग, यही था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सीधा जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से बात होती थी, समझ रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से सीधी बात कर सकते थे आप। तो वहां पर कुछ लीडर्स जो अलग अलग पार्टी थे, सभी पार्टी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन करके गए थे, ऐसा नहीं कि लोगों के हजाम एकदम जहाजों में भर करके, पानी वाले जहाज में भर करके सारे लोग गए थे, नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ ही जो आपके, आप बहुत बड़े नेता हो तो आप गए हो, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, नहीं होता जिसको आता था वही जाते थे। तो फाइनली यहां पर नियोता जिसको आया था तो कांग्रेस को भी आया, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जाने से, क्यों, क्योंकि गांधी जी पहले ही इरविन से परेशान थे, गांधी जी ने कह दिया था भैया तुम नहीं मान रहे हो, 12 मार्च 1930 का अल्टीमेटम दिया था ना, यहां पर देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को, इतना बड़ा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं भारत के अंदर में और अंग्रेज से कैसे बात करेंगे, हमको बात ही नहीं करना है भाई, खाली करो हमारा, हमारा प्लेस खाली कर दो, तुम चले जाओ, सीधा हम लोगों के मूड में आ चुका था यही बात। तो फाइनली क्या हुआ, यहां पर देखो एक बड़ी घटना होती है, गांधी को समझ, इरविन को समझ में आ गया, ठीक है, इरविन को समझ में आ गया कि ये जो, देखो 1928 में जो ना ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ था,
और साथ ही साथ 1930 में जो प्रदर्शन हुआ था, ये वाली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ये आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है वहां पर, ये वहां पर बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, सिंध के नेता थे, सिंध क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर थे, और गांधी जी की तरह इनका रहना सहना सोच विचार अहिंसा वाला रास्ता एकदम गांधी जी के एकदम, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए इसको गांधी जी को, इसको खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत कहते हैं, सीमांत गांधी मतलब सीमा के अंत में जो गांधी बैठा है, जो बॉर्डर एरिया में गांधी कोई अगर था उस जगह तो सीमांत क्षेत्र में, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो गांधी कौन थे, वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इस तरह से गांधी जी को मानते थे, उनके आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, और जिस तरह से वहां के लोग, जैसे गांधी जी को पूरी भारत में लोग फॉलो करते थे, इसीलिए उसी तरह से पाकिस्तान का जो वो क्षेत्र था सिंध क्षेत्र, वहां पर लोग उसको मानते, बहुत बड़े लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसीलिए उसको सीमांत गांधी के नाम से भारत में जाना जाता था। उनको भी अरेस्ट कर लिया था, उनके साथ हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया था, बहुत सारे लोग जेल में बंद थे। लॉर्ड इरविन ने कहा क्या गांधी जी इतना भी गुस्सा होते हैं, चलिए ना बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। लॉर्ड इरविन ने बहुत प्रेस किया गांधी जी को, गांधी जी ने समय दिया, फिर बैठे, दोनों बातचीतें हुई, गपशप हुई, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जिद कर रहे हैं आप, लॉर्ड इरविन को कहा हम चले जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, जितने मासूम लोगों को जेल में बंद रखा है सबको छोड़ दो, सारे लीडर्स को छोड़ दो। लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया कि हम सबको देंगे, कुछ कुछ लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया, आम पब्लिक को रिहा करना शुरू किया। गांधी जी को यह बात अच्छी लगी और गांधी जी ने फाइनली लॉर्ड इरविन की बात को रखते हुए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए, ठीक है। सेकंड राउंड दूसरी में क्या हुए, गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, याद रखिएगा, गांधी जी और गांधी जी मतलब क्या, कांग्रेस, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट किया, ठीक है, पार्टिसिपेट किया। अब जानते हो क्या हुआ, अगर पूछेगा कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो याद रखिएगा 1930 में नहीं किया था, बाकी दोनों में किया था, एक में नहीं किया था। गांधी जी 1931 में तो चले गए पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इधर लॉर्ड इरविन ने बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा, जितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ आज तक नहीं हुआ है, समझ रहे हो, छोटे मोटे धोखा आपके साथ हुआ है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ जितना बड़ा गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन ने किया। अपनी बात से ये मुकर गए, गांधी जी जैसे ही यहां से देश से बाहर निकले पूरी कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया, जवाहरलाल नेहरू को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरी कांग्रेस पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, समझ रहे हो ना, पूरा इलीगल घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी को, उसके सारे जगह पर छापेमारी शुरू कर दिया, किसने, लॉर्ड इरविन ने। गांधी जी बेचारे वहां थे, जब वहां से आए तो बेचारा बहुत ठगा हुआ महसूस किया, इरविन तुमने ठीक नहीं किया यार, बहुत बड़ा बदनाम तुम, धोखेबाजी तुमने किया। फिर गांधी जी बड़े मायूस हुए, गांधी जी बेचारे जहां पर 1930 में ये शुरू ही किए थे ना आंदोलन, उन गांधी जी ने जहां 32 में फिर से एक बार इस आंदोलन को ठंडा पड़ गया, ठंडा मतलब ठंडा पानी डाल के इस आंदोलन में गांधी जी चले गए थे, कहां पर, गोल में सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां से आए, बोले अब नहीं मानेंगे, अब तो हम गुस्सा आ गए हैं कसम से, अब तो इरविन का खैर नहीं है। गांधी जी दोबारा से उठ खड़े हुए, फिर उसके बाद 32 से 34 के बीच में दूसरा, 31 तो ये चला ही गया था, लास्ट था ना 31 का, 32 से यानी फिर से गांधी जी ने बची खुची ताकत को इकट्ठा किया और उसके बाद दोबारा से दूसरा फेज ऑफ क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दूसरा फेज ऑफ क्या, ये वाली सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन पहला फेज जितना पॉपुलर था दूसरा उतना पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि पहला कोई चीज की शुरुआत करोगे हजारों लोग जुटेंगे, उसको बंद कर दोगे फिर उसे चाहोगे तो लोग जल्दी इकट्ठा नहीं होंगे, तो बाद में क्या हुआ, दूसरा फेज जो है गांधी जी का उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लोग जुड़े थे लेकिन नहीं हुआ था। याद रखिएगा कौन सा, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो पहला में नहीं किया था, ये कहानी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में किया था, ठीक है। समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा कब किया गया था, 1931 में किया गया था, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। देखो ये भी एक बड़ी बात है, देखो हुआ क्या था 1932 में ना, ये देखो यहीं पर धोखेबाजी फिर अंग्रेजों ने किया था। अब देखो क्या हुआ, गांधी जी को कितनी बार ठगा है अंग्रेजों ने, मतलब सबको मजाक बनाया है अंग्रेजों ने। एक तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ यहां पर धोखेबाजी किया और इसमें फिर गांधी जी पार्टिसिपेट किया और धोखेबाजी हुआ, तो क्या 32 में गांधी जी जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इस 32 में पता है क्या मिला था, कॉम्युनल अवार्ड मिला था, कॉम्युनल अवार्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्युनल
अवार्ड में हिंदी में क्या कहते हैं, मैं अभी बता देता हूं आपको, कम्युनल अवार्ड कहते हैं इसको। किसको मिला कम्युनल अवार्ड पता है? डॉक्टर अंबेडकर को। यह कोई अवार्ड या ट्रॉफी नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर जो अपनी बात लेकर गए थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, उसको मान लिया था। डॉक्टर अंबेडकर का एक पुराने समय से एक विचारधारा था कि भारत के अंदर में पिछड़ों को, हरिजन को, आदिवासी को तब तक न्याय नहीं मिल सकता है जब तक यहां पर पॉलिटिकल राइट्स ना दिया जाए यहां के लोगों को। तो पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक जो ये है, राइट है, अधिकार है, वो मिलना जरूरी है। अगर संविधान में हमने किसी तरह से प्रोविजन करवा दिया हरिजन के लिए, आदिवासियों के लिए, कि इनके चुने हुए लोग आएंगे और रूल करेंगे, तो फिर इनके जो है जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। जो 100 सालों से ये कहीं ना कहीं, 100 साल क्या, 500-600-700-1000 सालों से ये लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इन पर जुल्म हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। और समाज में इनको कभी लोग मांगने से इज्जत नहीं देंगे, बल्कि इनको लेना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। ये इनका विचारधारा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसमें डालना है इन लोगों को। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तो एक समय था जब इस तरह का मौका आया, सामने से अंग्रेज पूछने लगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर यहां पर इन्होंने भी कह दिया डॉक्टर अंबेडकर ने कि हमें तो भैया ये चाहिए कि अलग से एक सेपरेट इलेक्शन हो हरिजन के लिए, आदिवासियों के लिए, छोटी कास्ट के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ छोटी कास्ट के लोग वोट देंगे और सिर्फ छोटी कास्ट के लोग ही चुन करके आएंगे। सीटों को रिजर्व रखा जाए और उन सीटों पर अलग से हमारा एक अलग इलाका हो, उसमें इलेक्शन हो, हम भारत के ही हिस्से रहेंगे नो डाउट, लेकिन हमारा इलेक्शन अलग होगा, उसमें दूसरे लोग नहीं वोट करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग बड़ी जाति के लोग वोट करेंगे तो छोटी जाति को कभी भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसीलिए बड़ी जाति तो खड़ा ही नहीं हो सके उस इलेक्शन में, सिर्फ छोटी जाति खड़ा हो, छोटी जाति के लोग करेंगे, छोटी जाति के लोग अपने नेता को चुनेंगे और वो चुना हुआ नेता जो है सदन में जाकर के बैठेगा और छोटे लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा, छोटी जाति को न्याय दिलाने का काम करेगा। ठीक है, अब देखो बात में तो कोई बुराई नहीं थी, अंग्रेज को लग रहा था भाई जितना डिवाइड कर सकते हो, जितना काट सकते हो, छोटे 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 टुकड़ों में काटो बांटो, ताकि ये लोग जो है ना खुद आपस में ही भिड़े रहे, है ना। बड़ी जाति के लोग पढ़े लिखे थे, बड़ी जाति के लोग इस तरह का कर रहे थे, है ना, रूल कर रहे थे, सोचे छोटी जाति को आगे बढ़ा दो, ये दोनों अपने में ही इन्वॉल्व रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि इन्वॉल्व ना रहने के चक्कर में छोटी जाति के लोगों को न्याय ही ना मिले, उनका भी तो अधिकार है, मिलना चाहिए, ये एक अलग बात है। तो कम्युनल अवार्ड यहां पर अंबेडकर को मिला। अब गांधी जी बड़ा इससे दुखी थे, पता है गांधी जी का जो सपना था ना, बरसों का सपना कि दिल तोड़ दिया, आपने गाना सुना है ना, वही चीज हुआ, अंबेडकर ने फाइनली गांधी जी का दिल तोड़ ही दिया। ठीक है, कैसे तोड़ दिया कि देखो गांधी जी ना जो हरिजन थे उससे बहुत मोहब्बत किया करते, बहुत प्यार करते थे, इनको हरिजन कहा करते थे। गांधी जी छोटी जाति के लोगों को अनटचेबल, छोटी जाति नहीं करते थे, उसको कहते थे हरिजन। आज भी हरिजन वर्ड फेमस है। हरिजन का मतलब समझते हो, हरि का क्या, बच्चा। ठीक है, चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, चाइल्ड ऑफ गॉड, ये जो छोटी जाति के लोग थे इनको चाइल्ड ऑफ गॉड कहा करते थे। हरि ये महात्मा जी, महात्मा गांधी, इसको क्या कहते थे, चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी इसको हरिजन कहते थे। और चाइल्ड ऑफ गॉड के राइट के लिए गांधी जी ने अनेकों आंदोलन किया था, छोटे छोटे आंदोलन किया था, टेंपल एंट्री कराने के लिए, याद होगा साउथ अफ्रीका में जहां छोटी जाति के लोग ही सिर्फ टॉयलेट साफ किया करते थे, भारतीयों से टॉयलेट साफ कराया जाता था, और भारतीयों में भी क्या, छोटी जाति के लोग टॉयलेट साफ करते थे, कचरा उठाते थे। गांधी जी ने वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी रहते थे उसके बीच में मीटिंग बिठा करके इसको क्या क्या एक सिलसिलेवार तरीके से एक कहीं ना कहीं कि फेज वाइज कर दिया कि आज ये करेगा, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, तरसों वो करेगा, इस तरह से बांट दिया ग्रुप बाय ग्रुप में। और गांधी जी ने भी अपना लिया था कि हम भी एक दिन टॉयलेट साफ करेंगे, तो उनका भी जो रूटीन था उसके हिसाब से गांधी जी को भी जाकर के वो जो सामुदायिक टॉयलेट होता था उसको साफ करना पड़ता था, वहां पर साफ सफाई करते थे। ठीक है, तो गांधी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे टॉयलेट साफ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है और कोई साफ नहीं करने से बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। अब गांधी जी क्या कर रहे थे, कई वर्षों से गांधी जी का एक गुप्त तरीके से जो चल रहा था कि भैया इनको न्याय दिलाया जाए, इनका समाज में इंटीग्रेशन करना चाहते थे। समाज ये है, समाज से ये लोग बाहर हैं, तो इनको इंटीग्रेशन करना चाहते थे, समाज के अंदर लाना चाहते थे। लेकिन जो कम्युनल अवार्ड था ये भी अधिकार दिलाता हरिजन को, और गांधी जी भी अधिकार दिलाने की कोशिश में थे, लेकिन गांधी जो अधिकार दिलाते वो समाज के अंदर ला करके दिलाते, उसका इंटीग्रेशन कर करके। लेकिन जो ये दिला रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, जो ये
कम्युनल अवार्ड के तहत दिला रहे थे। तो यहां पर क्या था, समाज के अंदर से इसको बाहर करना था, इनको एक अलग अधिकार हटा करके देना था। तो अधिकार तो मिल जाता लेकिन समाज के लोग जो छोटी जातों के प्रति, जाति के प्रति जो रवैया था, जो उनका सोच था, क्या वो बदलता? जल्दी नहीं बदलता, बहुत समय लग जाता। वो हमेशा छोटी ही मानते बड़े जाति, बड़ी जाति के लोग। तो गांधी जी ने कहा कि ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, नियत सही है लेकिन तरीका सही नहीं है। इसके खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया और फाइनली वही बात यहां पर आती है कि 26 सितंबर को गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया, जाओ यार नहीं खाएंगे हम, नहीं खाएंगे, और उसके बाद अनशन कर दिया किसके खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ, ठीक है। ये जो जो ये कम्युनल अवार्ड था जो दलित वर्ग के लिए अलग से जो ये था वोटिंग राइट था, इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर दिया गांधी जी ने। फाइनली अंबेडकर पर बहुत प्रेशर बना, अंबेडकर गांधी जी से मिलने आए 26 सितंबर 1932 को, जो 1932 को ये अवार्ड जैसे ही मिला न्यूज फैल गई सनसनीखेज तरीके से। गांधी जी को लगा ये भाई क्या हो रहा है, हम अंग्रेज से लड़ रहे हैं और इरविन जाकर के, अंबेडकर जाकर के वहां से अधिकार मांग के ला रहा है और फिर भी ऐसे तरह के अधिकार जिससे नुकसान ही होगा। गांधी जी ने वहां पर अनशन किया 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अंबेडकर के बीच बहुत लंबी बातचीत चली और उस लंबी बातचीत का नतीजा ये रहा कि वहां पर जो है ये जो आंदोलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था पता है, ये जो बैठक हुई थी ना दोनों के बीच, ये पूना में हुई थी। कहां पर हुई थी, पूना में। इसी को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि पूना समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को, सिर्फ 32 याद रखिएगा। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, गांधी के बीच और अंबेडकर के बीच। देखो लखनऊ समझौता, लखनऊ जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसके बीच हुआ था, याद होगा 1916 में लखनऊ समझौता। दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन, ठीक है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच कौन सी समझौता हुई थी, दिल्ली समझौता हुई थी, दिल्ली समझौता। और पूना समझौता अगर पूछेगा, पूना पैक्ट, इसको पूना समझौता। और जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो कैसे याद रखेंगे, वो याद रखेंगे पूना पैक्ट के नाम से। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था पूना पैक्ट, ध्यान में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस से पृथक होकर के, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बाद में इन्होंने किया था। अच्छा पूना पैक्ट में क्या हुआ था, पूना समझौता का क्या हल निकला, पूना समझौता का यह हल निकला, ठीक है, ठीक है, पूना समझौता का देखो ये हल निकला कि गांधी जी ने कहा कि ये सेपरेट इलेक्शन छोड़ दो और हम आपको क्या दिलाएंगे, दलित वर्ग के लिए एक रिजर्व्ड सीट का कैटेगरी लाएंगे। जैसे आज रिजर्वेशन चल रहा है ना, रिजर्व्ड सीट चल रहा है ना, कि कुछ इलाकों पर जो है रिजर्व छोटी जाति के लोग ही खड़े होंगे। ये बात गांधी जी ने कहा कि भैया अलग से चुनाव का छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, वही चुनाव होगा, एक ही चुनाव में सीट को रिजर्व्ड कर देंगे। ये बात फिर वहां पर अंबेडकर ने गांधी जी से मनवाया, गांधी जी ने उस बात को माना, फिर वो जो सेपरेट इलेक्शन का अंग्रेज ने दे रखा था ऑफर, उसको यहां पर छोड़ दिया गया और तब से सीट रिजर्व्ड होनी शुरू हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस से अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्यों आया, देखो अंग्रेज परेशान हो गए थे, उनको लग गया था भारत में रूल करना बहुत मुश्किल है, तो फिर उन्होंने भारत के अंदर में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये तो बहुत भयंकर आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ा आंदोलन, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में अंग्रेज को पता चल गया अब हमको जाना होगा, अंग्रेज ने प्रॉमिस कर लिया भाई इतना आंदोलन मत करो हम जाएंगे, ठीक है, बोरिया बिस्तर हम पैक कर रहे हैं लेकिन जाएंगे तो तुम लोग झगड़ोगे, तो तुम लोगों की लड़ाई को कम करने के लिए और पावर का ट्रांसफर पीसफुल तरीके से हो सके, यहां पर अफड़ा तफड़ी का माहौल ना मचे, सब एक दूसरे को ना काटने लगो, है ना। इससे इंटरनेशनल बरादरी भी बन चुकी थी उस वक्त, पता है यूएन वगैरह बन चुका था, तो यूएन का भी नियम था कि जहां पर जो रूल कर रहा है जब जाएगा तो पीसफुल ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर जो भारतीय नेता थे उन्होंने अंग्रेजों से मिल करके कहा कि पीसफुल जो ट्रांसफर है वो होना चाहिए। अंग्रेजों को भी लगा कि भैया छोड़ के कुछ बढ़िया करके जाते हैं, तो इन्होंने फिर क्या किया कि कैबिनेट मिशन बनाया, यानी 3 सदस्य लोग थे जो अंग्रेज के इंग्लैंड के पार्लियामेंट थे, वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, 3 काबिल लोगों को यह जिम्मेवारी दिया गया और 3 सदस्य मेंबर जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं वो भारत आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसमें 3 लोग थे, ठीक है, और ये पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के 3 लोग थे। पहला था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड का, ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के मंत्री थे, ठीक है, और तीसरा कौन था, पैथिक लॉरेंस,
ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस स्टेफर्ड ग्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, हाँ यहां पर एवी अलेक्जेंडर तीन नाम हो गए, नंबर वन पैथिक लॉरेंस, नंबर टू स्टेफर्ड ग्रिप्स, नंबर थ्री एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही इसमें शामिल थे 24 मार्च 1946 का कैबिनेट मिशन में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली में आया और इसके अन्य सदस्य जो है वो थे, मुझे लग रहा रिपीट हो गया है, दोनों ही सेंटेंस को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको मैं हटवा दूंगा बाद में, यही चीज रिपीट हो गई है, ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट मिशन जो है वो कब आया था, 1946 में आया था, तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड ग्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। क्या क्लास रुक रही है? ठीक है, तो इस तरह से था, यहां तक हमने देखा इसको। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं, क्लास शायद रुक गई थी आप लोगों की, तो ध्यान में रखिएगा जो कैबिनेट मिशन है ये पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीन लोग इसमें शामिल थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी जो है विशेष महत्व रखती है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये आपका होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी खास बात यह थी कि महिलाएं जो है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम जो ये निकला कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था, ये बहुत अच्छा अधिनियम था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया उसमें क्या हुआ, एक बहुत अच्छा आंदोलन, बाद में जो हमने 1930 में जितना लफड़ा अंग्रेजों से लिया, 1930 में लिया, 31 में लिया, 32 में लिया, इतना लफड़ाबाजी हमने अंग्रेजों से किया, अंग्रेज को समझ में आ गया भैया इसका एक एक डिमांड को मान लो, और जो हमारे डिमांड थे उसको फुलफिल करते हुए एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया कानून बना, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1935 कहते हैं, 1935 का ये कानून बना, और फाइनली इस कानून में बहुत सारे अधिकार भारतीय लोगों को दिए गए और बहुत सारे जो प्रोविजन है वो सब किए गए, ठीक है। वीडियो ठीक है, दिक्कत नहीं होगा आपको, थोड़ी देर के लिए क्लास रुक गया था, चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अब ठीक है, अब ठीक है, अब क्लास अच्छी चल रही है, दिक्कत नहीं होगा आपको। केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं, तो मोपला विद्रोह बेसिकली हुआ कहां पर था, तो ये केरल में हुआ था। क्या मोपला किस तरह का विद्रोह था, तो मोपला जो है एक किसान विद्रोह था, ठीक है, मोपला क्या था, एक किसान विद्रोह था। छोटा नागपुर के उराव आंदोलन का नेता कौन था, जतरा भगत था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा जतरा भगत के बारे में। आगे बढ़ते हैं, वोमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के, वोमेश चंद्र बनर्जी है ना, जिसको हमने एस एन बनर्जी कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, ये जो है कांग्रेस के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, एस एन बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा यहां पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, एस एन बनर्जी, बनर्जी, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी जब कहते हैं तो क्या मतलब है, 1800 से लेकर के 1899 की बात हो रही है, ये होती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का ही परिणाम था, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और यहीं पर लाल कुर्ती आंदोलन भी चला था, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधित्व के प्रतिभाग किया था, तो अगर कोई नेता जिन्होंने तीनों में भाग लिया था वो कौन थे, वो थे हमारे बी आर अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और अछूतों को प्रतिनिधित्व किया था, अछूतों को यहां पर रिप्रेजेंट किया था। पनवार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रही का पूछेगा है ना, प्रथम जो इसके सत्याग्रही वो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर आपकी ये क्लास जो है समाप्त हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने समेट करके यहाँ पर एक किया था, आई होप कि ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखें,
बाकी ये कूपन कोड जो आया हुआ है इंडिया का 20% ऑफ वाला, इसको आप सभी लोग लगाइए और अपने परिवार के कोई भी सदस्य, देखो इतना क्लियर है कि ड्रीम सेवा आईएएस का जो कंटेंट है, जो जिस पर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ये काफ़ी अपने आप में बहुत कमाल की बात है। और सिर्फ शुरुआत के तीन वर्षों में 2020 में तो हमने शुरू ही किया था, हम छिपाते नहीं हैं चीज़ों को, हम ये नहीं कहते हम 25 वर्षों का अनुभव रखते हैं, लेकिन जो हमारे टीचर हैं वो 23 वर्षों का अनुभव रखते हैं, जो हमारे टीचर हैं वो 10-10 साल का अनुभव रखते हैं, 8-8 साल का अनुभव रखते हैं, ठीक है। तो हमारे टीचर अनुभवी हैं इसलिए हम अनुभवी हैं, हमारी संस्था बहुत नई ही है, 2020 में हमने YouTube चैनल की शुरुआत की थी और तभी से जो है एक साल का तो कंप्लीट पर्सनल जो ही रह गया, एक साल दो साल 21 में भी हमने खुद से ही पढ़ाया था, है ना, विथ एक और टीचर थे अजय सर, उनकी मदद से और हमने दोनों ने मिल करके पढ़ाया था यहाँ पर, ठीक है। देखो बार बार नेट जा रहा है तो ये बहुत दुखद बात है। और फाइनली 22 में, हाँ 20 और 21 में मैंने सेल्फ पढ़ाया था, ठीक है, 22 में भी 21 में भी अजय सर ने साथ दिया था, 22 में भी दिया था, अभी 23 के बैच में अभी 4-5 टीचर मिल करके हम लोग साथ में पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से प्यार मिल रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इतने कम समय में इतना बेहतर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है, ठीक है। लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, जो हम हमारे शुरू से जो बच्चे जान रहे हैं वो जान रहे हैं कि ड्रीम सेवा आईएएस कितना अपग्रेड हो रहा है समय के साथ। इंडिया कूपन कोड लगाइए, 20% डिस्काउंट मिलेगा। और आपको पता है बिहार डीएलएड के अंदर में जो लास्ट ईयर टॉपर था वो हमारे ही इंस्टीट्यूट से था, मतलब टॉपर वन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 5 था, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, ठीक है, वो उन्होंने हमारे यहाँ से या तो टेस्ट सीरीज लिया या कोर्स लिया है, हमने एक वीडियो भी इस पर बनाया था आप जानते हो, इस तरह का सक्सेस। ड्रीम सेवक आईएएस जो हमारा यूट्यूब चैनल था उस पर जब हम क्लासेस दे रहे थे शुरुआत में, तो वहाँ से जब हमने बीएड का शुरू किया था, शायद ही इंडिया में कोई बीएड का चला रहा था, और उसमें अभी तक में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उसमें लगभग 1.5-2 लाख कैंडिडेट को जो है बीएड का पास कराने का जो है खिताब अपना रहा है, बीएड में एडमिशन कराने का, एंट्रेंस का। डीएलएड के अंदर में आप समझ रहे हो लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने डीएलएड का फॉर्म भरा था, उसमें लगभग 1-1.5 लाख लोग पार्टिसिपेट किए थे लास्ट ईयर। उसमें हमारा जो एक एक वीडियो का जो एक सिंगल सिंगल वीडियो पर व्यू जाता था वो 2-2 लाख जाता था डीएलएड वाली वीडियो पर। डीएलएड के जो अभ्यर्थी 1.5-2 लाख अभ्यर्थी जो एग्जाम देने वाले थे, सारे के सारे लोग ड्रीम सेवक आईएएस की वीडियोस को देखा करते थे। और उसमें भी हमने पेड कोर्स के अंदर में बहुत अच्छा काम किया। और आपको पता है डीएलएड का एग्जाम देकर के जब लड़कियां आ रही थी, एक लड़की से मेरी बात हुई थी बच्ची से, पता नहीं वो इस वीडियो को देख रही होगी, शायद देख रही होंगी, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि सर मैंने ही आपको कहा था। और भी बहुत सारे बच्चों से इस तरह का रिस्पांस मिला, पूरा का पूरा गांव जाओगे ना तो वहां पर अगर डीएलएड बीएड की बात आएगी ना, ड्रीम सेवक आईएएस को गांव में जानते हैं लोग, ये पूरे इलाके में मशहूर है, ये एक इलाके नहीं, आप कहीं पर चले जाओ, चंपारण के किसी गांव में चले जाओ, है ना, कोई भी भारत का कोई भी आप जिला उठा लो, वहां पर जाओ, शायद ही वो जिला का वो गांव का बच्चा जो बीएड डीएलएड कर रहा हो, ड्रीम सेवक आईएएस से ना पढ़ा हो, ड्रीम सेवक आईएएस को ना जानता हो, इतने कम समय में, समझ रहे हैं आप, इतने कम समय में जब इस तरह का जब सुनने के लिए मिलता है बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को फायदा हो रहा है। 999 का बैच है ये डीएलएड वाला, ये 499 का है, सब पे 20% ऑफ है, सब पे 3 जनवरी तक है, हम इसको 2 जनवरी तक और कर रहे हैं ताकि आपको कम तकलीफें हो। अगर किसी को पेमेंट का इशू है तो आप सीधा सीधा हमारा स्कैनर मांग के भी कर सकते हैं। ये पूरा चार्ट है, स्क्रीनशॉट आप YouTube पर ले पाएंगे, ऐप पर तो नहीं ले पाएंगे। खरीदने का प्रोसेस, ड्रीम सेवक आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आगे बढ़िए, पेड कोर्स में जाइए, जो बैच लेना है बाय नाउ कीजिए, अप्लाई कूपन कीजिए, इंडिया कूपन कोड लगा लीजिए, INDIA, बिना किसी स्पेस के लिखना होगा आपको, यहाँ पर लिखना होगा कूपन कोड में INDIA, और आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 5 जनवरी तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत हो आराम से कॉल कीजिए, कॉल कोशिश कीजिए कम करने का, क्योंकि बहुत सारा कॉल आता है, रिसीव नहीं कर पाते हैं, माफ़ करना आप सभी लोग। तो सीधा सीधा ये 9065588003 पर व्हाट्सअप कीजिए, और आप लोग व्हाट्सअप पे हाय लिख के छोड़ देते हो, सोचते हो सर कुछ लिखेंगे, सर क्यों कुछ लिखेंगे, सर ने ऑलरेडी एक सिस्टम बना रखा है कि जैसे आप हाय लिखते हो तो हमारी तरफ से लिंक्स जाते हैं आपको, और उस लिंक्स में हर एक चीज़ें
चली जाती है जो आपके लिए, जो आपकी नीड रहती है, जो आपकी ज़रूरत होती है, तो WhatsApp जरूर करें। और WhatsApp पर हाई लिखते ही आपको लिंक्स जाएंगे, वीडियो देख के ज्वाइन करें। या नहीं देखना है वीडियो तो जो हमने सीधा सीधा प्रोसेस आपको समझाया है कि यहाँ से आप ऐसे करके रजिस्टर कर लीजिए, है ना, फिर उसके बाद पेड कोर्स में जाइए, बाय नाउ कीजिए, अप्लाई कूपन कीजिए, फ़ोन पे है तो क्यों बात करेंगे, क्यों व्हाट्सअप करेंगे, बिल्कुल मत कीजिए, डायरेक्ट खरीद लीजिए। और एक बार जब खरीद लेंगे तो यहाँ माई कोर्स के अंदर में आपको कोर्स मिल जाएगा, माई कोर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखिए, चलिए।